हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आज हम स्टार्ट करते हैं इसकी क्लास नंबर 7 ऑफ चैप्टर नंबर 4। और हर एक कॉन्सेप्ट में मैंने कोशिश की है कि एक क्लास में एक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए आने वाला। मतलब कंपनी लो वाले के लिए मैंने कोशिश की थी कि 2-3 क्लास लगा दूं ताकि एक 20 बन जाए चैप्टर का। उसके बाद मैंने पूरी पूरी कोशिश की है कि हर एक कॉन्सेप्ट में एक क्लास लेना। लास्ट क्लास होप सो सब पढ़ के बैठे होंगे। आज बात करते हैं एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 मैं बोल सकता हूँ कि मोस्ट इंपोर्टेंट अब तक का। कंपनी लो वाला तो था ही था, ठीक है, मैं मानता हूँ सेबी वाला भी था। मतलब वैसे तो डिस्प्यूट की बुक अपने आप में ही 7 चैप्टर्स हैं और अपने आप में हर एक कॉन्सेप्ट अपने आप में इंपोर्टेंट है। बट यस, इस वाले कॉन्सेप्ट को ना दिल से आवाज बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं कि वाला कॉन्सेप्ट ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सेल्फ स्टडी वाले बच्चे आप लोग भी ना इसको नाम सुन के इसको छोड़ दोगे। मतलब नाम से ना पढ़ के ऐसा लगेगा बड़ा टफ है। एक्चुअली में थोड़ा है, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल इजी है, थोड़ा समझने वाला है, इसके बैकग्राउंड में जाने वाला है। क्रैम करना है तो ठीक है, मतलब मेरे पास क्रैमिंग का कोई भी जगह नहीं है। मतलब प्योरली अगर मैं आपको बोलूं कि कॉन्सेप्चुअली चलना है तो मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं अगर इसे कॉन्सेप्चुअली बात करूं तो उसके बैकग्राउंड हिस्ट्री में आज मैं आपको लेके चलने वाला हूँ। टाइम ज्यादा ना लगे, वही हमारा 50 मिनट्स, 45 मिनट, 50 मिनट्स क्लास का टाइमिंग्स रहे। उसी चीज को माइंड में रखते हुए मैंने आपसे क्लास लेने से पहले एक थोड़ी सी मेहनत की है। देखो एक्ट का नाम पढ़ के क्या पता लग रहा है, उसके बैकग्राउंड में तो मैं जब लेके जाऊंगा पहले आपको नाम से ही पता लगे कि एक्ट का नाम क्या है। जैसे कि मेरी ऑलवेज मेरी हैबिट है कि सबसे पहले एक्ट का नाम पढ़ना, उसके बारे में फिर उसकी बाल की खाल उतारना, उसकी तोड़ मरोड़ करना, उसको निकालना कि यस ये एक्ट आया क्यों, इस एक्ट के आने के पीछे पर्पस क्या था, एंड देन आगे बढ़ना। फिर जब एक बार ये समझ में आ जाएगा ना कि इस एक्ट का प्रियम्बल क्या था, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव क्या था, इस एक्ट के आने के पीछे पर्पस क्या था, क्यों ये एक्ट आया, तो ना फिर पूरा तारे जुड़नी स्टार्ट हो जाते हैं, कड़ियां जुड़नी स्टार्ट हो जाती है कि यस ये इसका ऑब्जेक्ट है, इस ये यहाँ यहाँ ये एप्लीकेबल होगा, ये इतने 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 इसके अंदर सेक्शंस हैं, या ये हमारे सिलेबस का पार्ट बनेगा। तो इस तरीके से अगर इस एक्ट की मैं बात करूँ तो बड़ा प्यारा एक्ट है। मतलब आप लोगों के लिए प्योरली न्यू एक्ट है। अभी एक बार नाम सुना होगा इसको आपने ना, पहले नाम सुना होगा इसका, जब हम रेमुनरेशन देते हैं शेड्यूल 5, बेसिकली कंपनीज एक्ट के अंदर आपने ये नाम पहले सुना होगा, लिस्ट ऑफ एक्ट्स जहां हम क्या नहीं होने चाहिए, हम प्रोहिबिटेड, उन एक्ट के अंदर हम कोई भी पेनल्टीज या उन एक्ट के अंदर हम कन्विक्टेड प्रूफ नहीं होने चाहिए। जब आप शेड्यूल 5 पढ़ोगे जाके, कंपनी एक्ट में पढ़ा होगा डायरेक्टर्स वाले चैप्टर में, तब आपने वहां पढ़ा होगा कॉफे पोसा। तो इसको इन शॉर्ट लिखते थे कॉफे पोसा, ऑल्दो इसकी कॉफे पोसा जो जो फुल फॉर्म में है, शॉर्ट फॉर्म है, ये सेक्शन 1 के अंदर बताई हुई है। तो इतना बड़ा एक्ट अपने आप में नाम ही याद हो जाए, नाम ही याद हो जाए तो अपने आप में बहुत है। देखो इसको इन शॉर्ट बोलते हैं कॉफे पोसा। सी का मतलब कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज। तो नाम से ही पता लग रहा है, कंजर्व करना, रोकना, कम करना, फॉरेन एक्सचेंज को रोकना, नहीं ध्यान से, एंड प्रिवेंट करना, टू स्टॉप, रोकना स्मगल करने से, बाहर वाले फॉरेन एक्सचेंज है उसको स्मगलिंग करने से रोकना। तो सर फेमा भी तो है, मतलब ऑल्दो फेमा है बट फेमा उसके लिमिट्स बताता है, बट ये वाला एक्ट ना मैं आपको बताऊंगा डिटेंशन को बताता है। एक वर्ड आएगा डिटेंशन, मतलब ये वाला पूरा का पूरा एक्ट ही आपका इस वर्ड के ऊपर डिपेंड है। अगर जो आपको इस वर्ड का मतलब समझ में आ गया ना, आपको ये एक्ट समझ में आ गया, तो ये वाला पूरा का पूरा एक्ट किसको वो करता है, डिटेंशन। तो अगर कोई भी स्मगलिंग एक्टिविटीज कर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज के पैसे को इधर से उधर कर रहा है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा है इंडिया के बाहर से, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिया, जो उसकी टेरिटोरियल बाउंड्रीज है, क्या पानी वाली जो बाउंड्रीज है 24 नॉटिकल माइल्स, तो वो लेंगे या क्या लेंगे, उसके बारे में बात आज हम करने वाले हैं। इसी के अंदर इसकी डेफिनेशन के अंदर बताया हुआ है, ज्यादा डिटेल्स में हमारा है नहीं सिलेबस में, तो इसलिए ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि कस्टम एक्ट में क्या है, यहाँ क्या है। तो फिलहाल के लिए बस इतना मैं बता सकता हूँ, अगर कोई भी अगर स्मगलिंग करता है, स्मगलिंग का मतलब सब बच्चों को पता ही होगा कि अनऑथोराइज तरीके से बाहर से सामान मंगवाना, जिसको अपने कस्टम ड्यूटी वगैरह पे ना करना, और यहाँ से सामान बाहर भेजना। अब वो सर कैसे भेज सकते हैं, समुद्री उसके थ्रू, मतलब जो बेसिकली ये वाला एक्ट ना कहाँ ज्यादा इफेक्ट में है, उड़ीसा जैसे एरिया में, समुद्री एरिया के पास, मतलब जहाँ की बाउंड्री समुद्र से लगती है, नीचे वाले तल जितने भी हैं, तो वहां ये एक्ट ज्यादा इफेक्ट में आता है। वो लोग क्या करते हैं, तस्करी करते हैं, मतलब छुपा के नाव के अंदर जो उसमें होते हैं अपना
बाय वे ऑफ वाटर वहां के थ्रू ना जनरली ये स्मगल करते हैं एक्टिविटीज, और कुछ मंगवाना जो लाइक जो इंडिया में बैन है ऐसी चीज मंगवाना या इंडिया से बाहर भेजना जो चीज बैन है, तो ऐसे काम करना, तो ऐसी चीजों को करने को रोकने के लिए ये एक्ट पिक्चर में आया। और बोलते हैं कि सर हम इन्हें डिटेंशन कर देंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटेंशन? सर हम उनको रोक देंगे, हम उनकी उस मूवमेंट को उठा के डिटेन कर देंगे। डिटेन करने का मतलब होगा तू टू स्टॉप, और उसको कहीं ना कहीं उठा के जेल में डाल देना, इम्प्रिजनमेंट कर देना। तो सर डिटेन कर देंगे। अब है ना, मैं आपको आज एक बहुत बढ़िया बैकग्राउंड में लेके चलूंगा। तो एक्ट का कब ईयर कब था? 1974 में आया। क्यों ये एक्ट? क्या आपने कभी डिटेंशन वर्ड कभी पहले सुना है? सबने सुना होगा, मैं ऑनेस्टली बोल सकता हूँ, सबने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आईएलजीएल का पेपर में पढ़ा होगा, पुराने वाले सिलेबस वाले बच्चे। और न्यू सिलेबस वाले बच्चों ने आई गेस कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ईसीएल एबीसीएल में तो नहीं होगा, आई गेस जेआईजीएल की बुक में कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वहां सबने पढ़ा होगा, ऑनेस्टली मैं बोल सकता हूँ। बट फिर भी मुझे इतना पता है कि सब नलायक हैं, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया होगा। और मैं आपको एक बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ, ये वाला एक्ट पूरा का पूरा डिपेंड है हमारा आर्टिकल 22। सर आर्टिकल किसका? कंपनीज एक्ट का, नलायक का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 22 क्या बोलता है? प्रोटेक्शन करता है, वो प्रोटेक्शन करता है, किस चीज से प्रोटेक्शन करता है? ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ अरेस्ट एंड डिटेक्शन, डिटेंशन, किस चीज को डिटेन करना? आ जाओ फिर ध्यान से, मैंने आप लोगों के लिए पहले से नोट्स बना के रखे हैं ताकि देर ना हो। जिन बच्चों को नोट करना है नोट कर लो, ऑल्दो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जहां बीच बीच में बार बार आर्टिकल 22 आएगा ना, फिर आपको ये नहीं पता होगा कि है क्या। तो प्लीज अगर पॉसिबल है आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों के हाथ दर्द नहीं कर रहे हो, उम्मीद है कि घर का खाना नहीं बना रहे होगे लॉकडाउन के टाइम पे, और झाड़ू पोछा नहीं लगा रहे होगे, तो हाथ दर्द नहीं कर रहे होंगे, शरीर दर्द नहीं कर रहा हो, तो लिख सकते हो, लिख सकते हो अटेंटिव होकर बैठ के। तो प्लीज लिखना स्टार्ट करो, मतलब पहले समझ लो उसके बाद नोट डाउन कर लेना पोस्ट करके वीडियो। आर्टिकल 22 क्या बोलता है? हेडिंग से पता लग रहा है, प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब सर अरेस्ट का मतलब क्या होगा? सब बच्चों को पता होगा, रिस्ट्रेन कर देना। अरेस्ट का मतलब क्या होगा सर? रिस्ट्रेन कर देना। किस चीज को रिस्ट्रेन कर देना? उसकी फिजिकल लिबर्टी को, उसकी मूवमेंट को। जो हमारी लिबर्टी दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू लिबर्टी, तो उस लिबर्टी के राइट को लॉफुली आके रिस्ट्रेन करना, उसको इंप्रिजनमेंट में डाल देना, अरेस्ट कर लेना, इसको बताता है कि अनऑथराइज तरीके से कोई भी अरेस्ट नहीं करेगा। प्रोटेक्ट करता है अनऑथराइज तरीके से अरेस्ट करने को, ये सेक्शन हम, ये आर्टिकल हमें पूरी पूरी राइट देता है। अच्छा सर ये क्या मैं बोल सकता हूँ फंडामेंटल राइट्स है? यस, सब बच्चों को पता है फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 34A वगैरह, तो फंडामेंटल राइट्स है हमारे, ठीक है। अब दूसरा क्या? डिटेंशन। अब डिटेंशन का मतलब सबको पता है, उसको उसकी फिजिकल मूवमेंट को रोक देना, उसको उठा के अरेस्ट कर लेना, प्लस उसको उठा के जेल में डाल देना। अरेस्ट करना, उसको उठा के उसकी फिजिकल मूवमेंट को रोकना, डिटेन कर देना उसको। अब सर मैंने ये दो एरो लगाए हैं, पहले बात तो 7 क्लोजेस, इस आर्टिकल के अंदर 7 क्लोज हैं, इस तरीके से समझना है, मैंने बढ़िया से चार्ट बनाया है। प्यूनिटिव, अब बात आ रही है कि अरेस्ट करना, क्या करना अरेस्ट? प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। अब एक चीज बस समझ लेना, ये आर्टिकल किसके ऊपर लगता है? ओनली क्रिमिनल। तो कौन से एक्टिविटीज के ऊपर लगता है? क्रिमिनल। अगर सिविल एक्टिविटीज की बात करें तो आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 लग जाएगा, तो उसके बारे में आज बात नहीं हो रही, प्योरली आर्टिकल 22 है, क्रिमिनल एक्टिविटीज के ऊपर लगेगा, क्रिमिनल आर्टिकल है ये। और क्या बोलता है? प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हो। प्यूनिटिव का मतलब नाम से पता लग रहा है, पनिशमेंट। दैट मीन्स प्यूनिटिव, अगर मैं और प्रिवेंटिव के बारे में बात करूं, अगर मैं 1 मिनट के लिए भूल जाऊं कि ये एरो कुछ भी है, तो अगर आपने कोई भी गलत काम कर दिया ऑलरेडी डन, फिर आपको अरेस्ट किया जाए, दैट इज कॉल्ड द प्रिवेंटिव अरेस्ट। अगर एप्रीहेंड है, मेरे दिमाग में डर है, तो मैं क्या इसके साथ में लिख सकता हूं ऑफेंस या क्राइम ऑलरेडी डन? प्रिवेंटिव क्या होगा? एप्रीहेंशन। अभी आपके माइंड में डर है कि वो कर देगा, अगर ऐसा हुआ, हिस्ट्री चीट रहे हैं भाई, जिसने मर्डर कर दिया उसको चोरी करने में क्या दिक्कत हो रही है? तो कर सकता है, उसने अगर बिस्किट के अंदर हेरा फेरी की थी, गोल्ड के बिस्किट के अंदर, तो वो कोई और भी काम कर सकता है, तस्करी और भी कर सकता है इधर से उधर। तो एप्रीहेंशन है, माइंड में भी डर है उसका, तो उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव मतलब रोकना, प्रिवेंट करना, प्रिवेंशन मेक बेटर देन क्योर। कोई भी काम
होने के बाद उसको सुधार करने से बेटर है पहले, जैसे कोरोना के लिए बोल रहे हैं सर, बीमार हो गए उसको ठीक करना अपने आप में बोलते हैं प्यूनिटिव, मतलब एक तरह से उसको प्रिवेयर करना, देन अगर होने से ही रोकना प्रिवेंटिव मेजर लेना। तो प्रिवेंटिव मतलब उसका डर है अभी और उसको ही रोक लेना, दैट इज कॉल्ड द प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव का मतलब काम हो चुका है उसको रोकना, दैट इज कॉल्ड द प्रिवेंटिव। अच्छा ये सिर्फ ओनली डिटेंशन कर देना ऑर्डिनरी लॉ में, मैंने एक इसका एक डिफरेंस और लिखा था। अच्छा ये ना आपको ऑर्डिनरी लॉज मतलब जनरली आपको हर लॉ के अंदर जनरली यही देखने को मिलेगा, सही बात है गलत बात है। कंपनीज एक्ट उठा लो, इनकम टैक्स एक्ट उठा लो, अगर आपने कोई भी फाइलिंग्स में प्रॉब्लम करती तो गलती की तो आपको उठा के लेके जाएंगे, ऑर्डिनरी लॉज के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। बट क्या मैं बोल सकता हूँ इट इज द स्पेशल लॉ, ये स्पेशल लॉज बनते हैं, स्पेशल प्रिवेंटिव लॉ बोल सकते हैं, तो इसके लिए स्पेशल प्रिवेंटिव लॉज बनते हैं। और बहुत सारे प्रिवेंटिव लॉज होते हैं जिसमें से एक एग्जाम्पल आज आपका, फॉर एग्जाम्पल आज आपने क्या पढ़ा है वो स्पेशली प्रिवेंटिव लॉ ही बनेगा। ये नहीं किसी भी एक्ट के अंदर एक छोटा सा क्लोज उठा के डालते हैं प्रिवेंटिव क्लोज हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। ये इफेक्टिव प्रिवेंटिव डिटेंशन आपका, प्रिवेंटिव अरेस्ट आपका इफेक्ट ही कब से आएगा, फॉर द टाइम बिंग अब भूल जाओ आप अरेस्ट, अरेस्ट नहीं, अरेस्ट करके ही डिटेन करते हैं, मतलब गए कस्टडी में लिया एंड देन उसको जेल में डाला। तो ये बोल रहे हैं अब फॉर एग्जाम्पल कोफे, तो अलग से पूरे पूरे एक्टिव बनेंगे जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट होंगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज होंगे, तो उनके बारे में बात की जा रही है। वो स्पेशल लॉज होगा, वो ऑर्डिनरी लॉ नहीं होगा, वो जनरल लॉज नहीं है जो कंपनीज एक्ट है उसको भी डील करता है। स्पेसिफिकली प्रिवेंटिव डिटेंशन को रोकने के लिए, उसकी मूवमेंट को प्रिवेंटिव, काम करने से पहले उसको जेल में डालने के लिए, अभी काम गलत काम किया नहीं उससे पहले जेल में डालने के लिए अलग से ही लॉ बनेगा, उस अलग से लॉ के अंदर ही उसको पकड़ा जाएगा। स्मगलिंग एक्टिविटीज के लिए अलग से ही कोफा पोसा एक्ट बना है, तो ऑर्डिनरी लॉ नहीं होगा। होप सो, इतना उम्मीद है सबको समझ में आएगा। जनरली ये वाले लॉज ना आउट यूएस वगैरह में नहीं चलते, ये वाले लॉज, ये वाले लॉज जनरली हर जगह चलते हैं, लेकिन ये वाले लॉज कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, ब्रिटेन से, मतलब अंग्रेजों से आया था। और इंडिया में काफी सारे प्रिवेंटिव लॉ आपको देखने को मिल जाएंगे क्योंकि इंडिया के लोगों का माइंड थोड़ा सा करप्ट होता है, तो यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अगर हम आर्टिकल के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें 22 की, तो इसको हमने 7 क्लोज में डिवाइड किया। क्लोज नंबर 1 एंड 2 डील करते हैं प्युनिटिव डिटेंशन, किसको डील करते हैं, प्युनिटिव डिटेंशन या प्युनिटिव अरेस्ट, अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात मान लो, प्युनिटिव डिटेंशन को। एंड क्लोज नंबर 3 किसको डील करते हैं, एक्सेप्शंस, मतलब कहाँ कहाँ हमारा ये नहीं लगेगा उसकी बात करेंगे, वो हमारे सिलेबस का पार्ट है नहीं तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। एंड देन 4 और 4 to 7, 4, 5, 6, 7 किसको लगेंगे, प्रिवेंटिव डिटेंशन। डन, इतना समझ में आ रहा है। अब ना मेरे माइंड में एक चीज आ रही है सर, प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए हमने बोला सेपरेट लॉज बनाना पड़ेंगे, स्पेसिफिक लॉ बनेगा, अब ये पावर आई कहां से, कहां ये बात लिखी गई है? कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बोल दिया प्रिवेंटिव डिटेंशन को बचाता है कौन, आर्टिकल 22, इनके लिए सेपरेट लॉ बनाने पड़ेंगे। अब वो सेपरेट लॉ बनाने की पावर कहां बताई गई है, सेपरेट लॉ बताने की पावर सर सेंट्रल के पास भी है और स्टेट के पास भी है। सर कोफे पोस एक्ट क्या है, इट इज द सेंट्रल लॉ, तो पावर टू फॉर्मुलेट प्रिवेंटिव लॉज, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज या प्रिवेंटिव लॉज किसके पास है सर, सेंट्रल के पास भी है और स्टेट के पास भी है। सेंटर के पास कहाँ है, सबने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7th शेड्यूल के अंदर लिस्ट 1, दैट इज लिस्ट 1, हमने पढ़ा ना टेक्स्ट में भी इतनी सारी एंट्रीज होती है, 97 एंट्रीज, तो लिस्ट 1 के अंदर पावर है। और किन किन मैटर्स पे बना सकते हैं प्रिवेंटिव लॉज सर, डिफेंस के मैटर्स पे, फॉरन अफेयर्स के मैटर्स पे, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की सिक्योरिटी को देखते हुए बना सकते हैं। जैसे फोग का सीजन है, सर्दियों का टाइम है, फोग होती है, सबको पता है समुद्र के आसपास वाले एरिया वाले में जो मछुआरे होंगे ना सबसे ज्यादा स्मगलिंग उस टाइम पे होती है। तो जनरली ना एक चीज बोली जाती है कॉफी पोसे एक्ट के अंदर, 14th नवंबर वाले दिन जब से धुंध फोग होनी स्टार्ट होती है उस दिन उनको उठाते हैं, जो हिस्ट्री चीटर है उनको उठाते हैं कभी स्मगलिंग ना करें, और 14th ऑफ फेब यानी 3 महीने रखेंगे और चिल्ड्रंस डे वाले दिन उठाएंगे और वैलेंटाइन डे वाले दिन छोड़ देंगे, करो भाई और बच्चों की तैयारी करो। तो कहने का मतलब 3 महीने के लिए इस तरीके से प्रिवेंटिव डिटेंशन करते, पहले से ही कोई स्मगल ना कर ले, धुंध में फोग में दिखेगा नहीं तो उठा लो, तो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, फॉरन अफेयर्स के लिए, डिफेंस के लिए बना सकते हैं। और इसको कॉन्करेंट लिस्ट में बोल सकते हैं, 7th शेड्यूल और लिस्ट 3। तो कॉन्करेंट लिस्ट मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, इन इन मैटर के ऊपर ये बन सकता है। तो क्या एक बात बोल दूं मैं, ऑल्दो एग्जाम का पार्ट नहीं है बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज,
टाइप्स ऑफ डिटेंशन। सर प्रिवेंटिव और पिनिटिव। प्रिवेंटिव डिटेंशन एग्जाम्पल कोफे पोस्ट एक्ट के अंदर स्मगलिंग। सर मैं फर्दर इसको कौन इनको कौन डील करता है? आर्टिकल 22 सब आर्टिकल 427। इसको आर्टिकल 22 1 एंड 10 और 3 बोलता है कि कहां 102 नहीं लगेंगे, कहां नहीं लगेंगे, जहां प्रिवेंटिव डिटेंशन होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन ना ये एक बात ध्यान रखना, याद ध्यान से सुनना, ये कोई जरूरी नहीं है। अच्छा प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए भी ना लॉज बनाए गए हैं, उस पर्टिकुलर लॉ में बताया गया है कि इस वाले एक्टिविटीज के लिए जो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन करेंगे तो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं। कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उससे ऊपर नहीं जा सकती, जा सकती है। एक चीज बोली गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 22 में, प्रिवेंटिव डिटेंशन मैक्सिमम कितने दिन का हो सकता है? सर अभी नहीं बताऊंगा, पहले पिनिटिव देन प्रिवेंटिव। तो आपके लिए बनाया है चार्ट, ये मत मानो मुझे नहीं आता, 3 मंथ होता है। 3 मंथ को बढ़ा के हम एडवाइजरी बोर्ड अगर चाहे तो 3 मंथ को बढ़ा के उतना कर सकता है जितना वो चाहे, बट वो मैक्सिमम उतना ही कर सकता है जितना उस पर्टिकुलर लॉ के अंदर बताया गया हो, जो भी उसका लॉ बनाया गया है। तो उससे ऊपर कभी नहीं जाएगा। जब हम सेक्शन 9 पढ़ेंगे, सेक्शन इसके अंदर 10 पढ़ेंगे, जब आप इसके बारे में बात करोगे कि मैक्सिमम कितना टाइम पीरियड हो सकता है। देखो अब पिनिटिव के लिए आर्टिकल 22 सब आर्टिकल 1 क्या बोलता है? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। सही बात है, मैं आपको पकड़ के ले जाऊं, आपने कोई गलती कर दी और मैं आपको पकड़ के ले जाऊं, अब आपको यही ना पता हो कि किस क्राइम के किस गलती के बिना बना पे आप मैंने आपको पकड़ के ले गया हूं, तो उस गलती को बताना मेरा अधिकार है कि आप मुझे बताओ कि मेरी गलती क्या है। कब तक बता सकते हो? वो गलती आपको मुझे उठाते टाइम पे बतानी होगी या मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर अंदर बतानी होगी। राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर। सही बात है, ध्यान से पढ़ना इस वाले पॉइंट को। अब अगर आप मुझे उठा के लेके गए हो, मेरी कोई गलती बता के, पुलिस वाले हो आप मुझे उठा के ले गए हो, मेरा अधिकार है, कानून ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं अपने लीगल कंसल्टेंट से अपने प्रैक्टिशनर को बुला के उससे कंसल्ट कर सकता हूँ, आप मुझे मिलने से नहीं रोक सकते हो। सही बात है। एक चीज और इसमें प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा, जब आप कभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कभी पढ़ोगे एलएलबी में जाके तो मिल सकता है, क्या बोलते हैं सर? फ्री सर्विसेज। अगर आप इस लायक नहीं हो, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अपना खुद का एडवोकेट हायर कर पाओ, या तो आप खुद हो जाओ, अगर आप खुद नहीं हो रहे और लेकिन आप चाहो तो स्टेट के सामने हाथ फैला सकते हो, स्टेट आपकी हेल्प कर देगी और अपनी तरफ से कोई भी एडवोकेट को अपॉइंट कर सकती है आपके लिए भी। ठीक है, आर्टिकल 22 सब आर्टिकल 2 क्या बोलता है? सब आर्टिकल 2 ने बोले क्लोज टू राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन। अब आपको उठा तो लिया, आपको अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन आपको हम मैक्सिमम मैक्सिमम 24 घंटे तक विद इन 24 आवर्स आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, और नो डिटेंशन हम कभी भी डिटेन नहीं कर सकते बियॉन्ड 24 आवर्स। अगर आपने 24 घंटे से ज्यादा उसको डिटेन किया तो उसको अगर हमने प्रेजेंट नहीं करवाया मजिस्ट्रेट को, तो उनको रिलीज करना पड़ेगा अक्यूज को। अच्छा सर, 24 घंटे के अंदर उनको घर से उठा के और जेल तक लेके जाने का, पुलिस स्टेशन तक लेके जाने का और वहां से मजिस्ट्रेट तक लेके जाने के टाइम पीरियड को एक्सक्लूड करते हैं, तो एक्सक्लूडिंग द टाइम्स ऑफ ट्रेवलिंग है ना। चलो जी, थर्ड वाला आर्टिकल मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, प्रिवेंटिव डिटेंशन। यहाँ ध्यान से इसको हम इस एक्ट में यूज करेंगे कोफो कोसा, जिसके लिए मैंने आप लोगों की 19 मिनट ले ली है ऑलमोस्ट, तो आज लंबी क्लास जाने वाली है, तो अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो टाइम लगेगा। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन मेनली प्रिवेंटिव डिटेंशन सबसेक्शन आर्टिकल 22 क्लोज 4 क्या बोलता है? ध्यान से, नो डिटेंशन मोर देन 3 मंथ। यही तो मैं बोल रहा था, कर लो आप प्रिवेंटिव डिटेंशन। अभी तो मैंने आपको बताया 14 नवंबर से 14 फरवरी, 3 महीने तो हैं, 3 महीने से ज्यादा कभी भी आप प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं कर सकते हो। कर सकते हो अनलेस एडवाइजरी बोर्ड एग्रीज। अब आप बोलोगे सर एडवाइजरी बोर्ड क्या है? हर लॉज के अंदर ना ये अलग से एडवाइजरी बोर्ड बनते हैं, बट इसके भी ना आर्टिकल 22 सब आर्टिकल क्लोज 4A जब आप पढ़ोगे उसमें बोला गया एडवाइजरी बोर्ड की कौन एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर बन सकता है। तो एडवाइजरी बोर्ड का जो मेंबर कौन बन सकता है, वैसे मैंने आपके नोट्स में अब डाल दिया, ऑल्दो आपके नोट्स में था नहीं बट मैंने समझाने के लिए डाल दिया, एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर कौन हो सकता है? या तो वो है, या वो क्वालिफाइड है, या वो चलता रहे हैज बीन आर हैज बीन और क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट। तो इसका मेंबर कौन बन सकता है? जज ऑफ हाई
हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट का जज एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर बन सकता है, एक चेयरमैन होगा और मेंबर्स होंगे, तो उनके वो बन सकते हैं, एडवाइजरी बोर्ड को बना सकते हैं, कोस एक्ट के मैं बता रहा हूँ। तो अनलेस अगर एडवाइजरी बोर्ड रिकमेंड करती है कि यस सर 3 महीने से ज्यादा पीरियड होना चाहिए, तो उस पीरियड को बढ़ा सकते हैं। लेकिन 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 ध्यान रखना, मैक्सिमम उतना ही टाइम कर सकते हैं, एडवाइजरी बोर्ड के पास भी पावर नहीं है। जो उस रेलेवेंट, मैंने अभी भी बोला है, कई सारे प्रिवेंटिव लॉज हैं इंडिया में, जिसमें से एक एग्जांपल हमारे सिलेबस में है कॉफ़ पोसा। तो जिस पर्टिकुलर लॉ के अंदर जितना मैक्सिमम टाइम, जैसे हमारे वाले में सेक्शन 10 के अंदर आई गेस, सेक्शन 10 ही मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम 10, सेक्शन 10 ही बोलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉफ़ पोसा एक्ट के अंदर सेक्शन 10 बोलता है कि आप इतने दिन के लिए जा सकते हो। सेक्शन 10 क्या बोलता है हमारा, मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लूँ कितने दिन के लिए। कुछ अलग अलग कैटेगरीज है, जो सेक्शन 9 अगर अप्लाई नहीं हो रहा तो 1 साल तक के लिए, सेक्शन 9 अगर अप्लाई हो रहा है तो 2 साल के लिए, तो 1 और 2 ईयर मैं यहाँ लिख के छोड़ रहा हूँ, आप अपना बाद में समझ जाओगे। तो मैक्सिमम आप तीन, मिनिमम आप 3 महीने, मतलब चाहो तो 3 महीने से ज्यादा नहीं, लेकिन एडवाइजरी बोर्ड चाहे तो उसको बढ़ा सकता है, लेकिन कितना, अप टू, यहाँ मैं लिख के छोड़ दूँ, अप टू मैक्सिमम टाइम जो भी उसके पर्टिकुलर लॉ के अंदर बताया गया, जिसके अंदर हमने उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन किया है। बट कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, किस तरीके से इंक्वायरी करनी है एडवाइजरी बोर्ड को, किस तरीके से उसको डिटेन करना है, उसके बाद उसकी सजा पाया जाएगा कि वो एक्चुअली में गुनाहगार है कि नहीं है, वो सारी पार्लियामेंट के हाथ में पावर है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एनेक्ट करेगा किस तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करना है, वो कौन करेगा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो जब आप इसका सेक्शन 8 एडवाइजरी बोर्ड, जब कोफोपोस एक्ट पढ़ोगे, तो हम, मैं अपने वाले एक्ट का ही सेक्शन लिख रहा हूँ, सेक्शन 8 एडवाइजरी बोर्ड को डील करता है, और एडवाइजरी बोर्ड को बताया गया है कि सब्जेक्ट टू द आर्टिकल 22 सब आर्टिकल 4 क्लोज 1 को ध्यान में रखते हुए, और 20 22 सब आर्टिकल 7 को ध्यान में रखते हुए हमने एडवाइजरी बोर्ड को बनाना है। तो जब आपके काम आए गए, तभी मैंने आज आपको एडवांस में बता दिया। सब बच्चों को ध्यान करो, मिनिमम मतलब कितने दिन का कर सकते हैं हम, 3 महीने का। 3 महीने ज्यादा करना है तो किससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी, एडवाइजरी बोर्ड से। एडवाइजरी बोर्ड भी मैक्सिमम कितना कर सकता है, जो उस पर्टिकुलर लॉ के अंदर मैक्सिमम बताया गया होगा। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर कौन फाइनलाइज करता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है इस पूरे का पूरे प्रोसीजर को, इंक्वायरी करने के प्रोसीजर को। सर आर्टिकल 22 सब आर्टिकल 5 क्या बोलता है, क्लोज 5 क्या बोलता है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। सही बात है, प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी मुझे बताना तो चाहिए कि भाई किस लॉ के अंदर, किस गलती के बिना पे आप मुझे पकड़ के लेके जा रहे हो, तो वो मेरा राइट है, अधिकार है, वो मुझे पता होना चाहिए। तो वो अधिकार के बारे में बात की जा रही है इस वाले आर्टिकल के अंदर। देन उसके बाद अगर हम बात करें राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, अब मेरा राइट है, मैं अपनी बात को रख सकता हूँ, मेरी बात सुनी जानी चाहिए, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मुझे देनी चाहिए, ये भी मेरा राइट है प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में। लेकिन यहाँ कहीं भी आपने ये सुना राइट ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर, क्या मैं अपने लीगल प्रैक्टिशनर के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? नहीं। आप जब कोफोपोसा एक्ट पढ़ोगे, वहां भी आप देख लोगे सेक्शन 8 के अंदर, हम कभी भी लीगल प्रैक्टिशनर के थ्रू एडवाइजरी बोर्ड वगैरह के सामने नहीं कर सकते। और तो केस चलेगा तो कोर्ट में कर सकते हैं, बट एडवाइजरी बोर्ड के सामने नहीं कर सकते। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड और राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मेरी बात को रखने का मुझे अधिकार होना चाहिए, इन पर्सन, जनरली इन पर्सन मिलता है। लेकिन सारी बात हमें नहीं नहीं बताएंगे, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड की भी एक्सेप्शन है, नो टू डिस्क्लोज, अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो ऐसी बात हम आपको नहीं बताएंगे। वैसे मुझे सारी बात इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, बट ऐसी चीजें नहीं बताएंगे जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा। तो पूरा का पूरा आर्टिकल मैंने आपको करवा दिया, अप्रोक्सीमेटली 23-24 मिनट मैंने इसके ऊपर डिवोट की है आपके लिए, और बस इतना ही मैं बोलूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल करना जरूरी था कोफ़ीपोसा एक्ट को समझने से पहले। अब आपको ना कुछ कुछ चीजें, दो तीन चीजें पॉइंट मेरे क्लियर हो गए, जिसके ऊपर मुझे ज्यादा बार 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 फोकस नहीं करना पड़ेगा। कोफ़ीपोसा एक्ट इज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, इज अ एक्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो क्या करता है, कंजर्व करता है, ऑगमेंट मतलब जोड़ता है सारे फॉरन एक्सचेंज और स्मगलिंग एक्टिविटीज को, और जो उनसे रिलेटेड मैटर्स हैं उनके लिए ये एक्ट बना है, उनको पकड़ने के लिए एक्ट बना है कि वो एक गलत काम हो ही ना। भाई गलत काम होने के बाद पनिशमेंट देने से बेटर है पहले से ही रोक दो, तो उस चीज के लिए एक्ट बना है। कुछ डेफिनेशंस है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है और उसके ऑफिसर्स भी हो सकते हैं। अगर ऑर्डर कौन पास करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है और उसके ऑफिसर्स भी हो सकते हैं। अगर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो है ऑर्डर कौन पास करता है, स्टेट गवर्नमेंट। इट्स सिंपल, डिटेंशन ऑर्डर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटेंशन ऑर्डर। तो जो ऑर्डर सेक्शन 3 के अंदर पास किया जाएगा, इसी के नीचे सेक्शन 3 है, तो जो भी ऑर्डर सेक्शन 3 में पास किया जाएगा, मान लिया जाएगा इट इज द डिटेंशन ऑर्डर। स्मगलिंग एक्टिविटीज में अगर कोई आप इन्वॉल्व हो, अगर आपने कम्युनिकेट हेल्प किया किसी की स्मगलिंग एक्टिविटीज में, अगर आपने कोई भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प किया है, छुपाने में, कंसील करने में हेल्प किया, अबेट उसको छुपाने, उसको बढ़ावा दिया है आपने, उसको एक वर्ड यूज होगा बड़ा प्यारा सा वर्ड है वो,
हार्बोरिंग मतलब उसको शेल्टर, उसको आसियाना दिया है, उसको मतलब एक छत दी है उसको छुपाने के लिए, उसका हेल्प किया है, कहने का मतलब, तो उन सारे लोगों के अगेंस्ट डिटेंशन ऑर्डर पास किया जा सकता है सेक्शन 3 के अंदर। अभी मैं पढ़ाऊंगा वो। फॉरनर्स का मतलब क्या है? फॉरनर्स का मतलब वो जो फॉरनर्स एक्ट 1946 में बताया हो। इंडियन कस्टम वोटर का मतलब क्या है? मतलब कहाँ तक इंडिया का बोला गया ना कि उनके आसपास वाले एरिया के अंदर। तो जो कस्टम एक्ट में पढ़ते रहना, कस्टम एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज 28 बोला गया इंडियन कस्टम वोटर क्या है। स्मगलिंग का मतलब क्या है? जो सेक्शन 2 क्लॉज 39 के अंदर बताया गया है कस्टम एक्ट में, उसको मान लिया जाएगा स्मगलिंग। और जो भी ग्रामेटिकल वेरिएशन स्मगलिंग स्मगल, तो कुछ भी अगर आप चेंज करना चाह रहे हो तो मान लिया जाएगा वही डेफिनेशन उसकी फॉलो करेगी। पता लगे आप कुछ भी एडिशन डिलीशन स्मगल स्मगलिंग स्मगल स्मग, इस टाइप के वर्डिंग्स अगर आप यूज कर रहे हो तो मान लिया जाएगा फिर भी स्मगलिंग जो आपका कस्टम एक्ट में वही इसका होने वाला है। देखो एंड ऑल इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशंस एंड कोग्निट एक्सप्रेशंस, तो जो भी से मिलते जुलते एक्सप्रेशंस हैं मान लिया जाएगा वो भी आपको, जैसे कि आपका स्मगलिंग ही डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगा। अब आ जाओ, आपका मेन चीज स्टार्ट हो चुकी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर्सनली मुझे यही लगता है कि ये वाला टॉपिक एग्जाम में आने लायक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, और इसको पढ़ना है सब बच्चों को ध्यान से। देखो जी, हेडिंग पढ़ो पर फटाफट से, पावर टू मेक ऑर्डर्स डिटेनिंग सर्टेन पर्सन। तो पावर किसके पास है? अभी तो बताया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद या उसका कोई भी ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन कोई भी ऑफिसर का मतलब ये नहीं कोई भी, वो ऑफिसर जिसका कम से कम रैंक ज्वाइंट सेक्रेटरी जितना हो, वो क्या कर सकते हैं? टू दैट गवर्नमेंट स्पेसिफिकली एम्पावर्ड, तो उस ऑफिसर को जिसको एम्पावर किया गया इस पर्सन इस पर्पस के लिए, किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन बाय दैट गवर्नमेंट। तो वो गवर्नमेंट इसको क्या करेगी? एम्पावर किया गया है कि सर आप डिटेंशन ऑर्डर पास कर दो, उनको पकड़ के लेके आओ, उठा के लेके आओ। या फिर स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं, नॉर्मल सेक्रेटरी से काम चल जाएगा। तो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर जिसका रैंक स्टेट सेक्रेटरी जितना हो, तो क्या करेंगे ये? मे, अगर इफ सेटिस्फाइड, अगर वो लोग सेटिस्फाई हो गए विद रिस्पेक्ट टू एनी पर्सन, भले ही वो फॉरनर हो। इस चीज से क्या बात समझ में आ रही है? भले ही इंडिया का पर्सन है या इंडिया से बाहर वाला है, लेकिन अगर इंडिया में आकर अगर आपने वो गलत काम कर दिया ना, इंडिया से रिलेटेड अगर वो गलत काम अगर आपका है, स्मगलिंग एक्टिविटीज की है, कंजर्वेशन आपने फॉरन एक्सचेंज का किया है, तो मान लिया जाएगा आपके ऊपर एक्ट लग जाएगा। तो फिर मैं बोल सकता हूँ उसकी जुरिडिक्शन बढ़ गई, भले ही इंडियन हो, भले ही फॉरनर हो, भले ही इंडिया में हो, भले ही इंडिया से बाहर, लेकिन अगर आपने वो एक्टिविटी की है तो इस एक्ट के अंदर फंस जाओगे। दैट विद व्यू टू प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम एक्टिंग इन एनी मैनर प्रेजुडिशियल टू द कंजर्वेशन और ऑगमेंटेशन। तो वही चीज से बोल रहे हैं, कोई भी ऐसे काम करना जिससे हमें रोकना, किस तरीके से रोकना कि अगर हम कोई भी हार्म पहुंचा रहे हैं, कोई भी कंजर्व करके जोड़ के फॉरन एक्सचेंज को, और या फिर विद व्यू हिम किस चीज से, ध्यान से इनको रिटेन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, स्मगलिंग ऑफ गुड्स को, अबेटिंग, बढ़ावा देना, रोकना, अबेटिंग द स्मगलिंग ऑफ गुड्स, एंगेजिंग इन उसको ट्रांसपोर्टेशन अपने व्हीकल का यूज करवा रहे हैं, छिपाने में कंसीलिंग, और कीपिंग स्मगल्ड गुड्स अपने एक साथ कैरी करना, स्मगलिंग गुड स्मगल्ड गुड्स को, डीलिंग इन स्मगल गुड्स, अब उसमें किसी भी तरीके से डील कर रहा हूं, लेकिन अदर देन थर्ड पॉइंट, अदर देन एंगेजिंग इन ट्रांसपोर्टिंग कंसीलिंग, तो किसी भी और तरीके से मैं डील कर रहा हूँ उसको, मैं ना तो मैं छुपा रहा हूँ, ना मैं उसको इधर से उधर लेके जा रहा हूँ, मतलब उस तरीके से मैं डील नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं उसको डील कर रहा हूँ किसी भी तरीके से, ना? तो उनके बारे में बात कर रहे हैं। हार्बोरिंग, अब अच्छा हार्बोरिंग किसका? स्मगलिंग गुड्स का या एबेटिंग ऑफ स्मगलिंग, मतलब उनको शेल्टर दे रहे हैं, उनको छत दे रहे हैं। हार्बोरिंग का मतलब एक टाइप का आसियाना, उसको छत देना, हार्बोरिंग पर्संस, हार्बोर करना, उन पर्सन की हेल्प करना, उनको एक छत देना जो एंगेज है स्मगलिंग ऑफ गुड्स में, या फिर एबेटिंग मतलब उसको जो बढ़ावा दे रहे हैं, उन लोगों को बढ़ावा देना और उन लोगों को छिपाना, कंसील का मतलब छिपाना, लेकिन उन लोगों को एक तरह से आसियाना देना, उनको छिप अपनी कोई भी एक तरह से अपने आप में एक शेल्टर देना, शेल्टर वर्ड प्रॉपर रहेगा। इट इज नेसेसरी सो टू डू मेक ऑर्डर डायरेक्टिंग दैट सच पर्सन टू बी डिटेन। तो वो थोड़ी अगर ऐसा लगता है कि अगर ये लोग इन चीजों में इन्वॉल्व हैं, कंजर्वेशन ऑफ फॉरन एक्सचेंज में या फिर स्मगलिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड एक्टिविटीज में, तो उनको ऑर्डर देकर डिटेन कर सकता है। इट इज नेसेसरी सो टू डू मेक ऑर्डर डायरेक्टिंग दैट सच पर्सन टू बी डिटेन। तो बोल सकता है सर उस पर्सन को डिटेन किया जाए, ठीक है ना? तो बोल दो ना, ये वाला हमारा यहां से हटना चाहिए। सब बच्चों को क्लियर हुआ? एक चीज और मैं भी आपको बताऊंगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलो ठीक है ऑर्डर पास कर लिया, लेकिन अगर ये ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया होता ना, तो उनको 10 दिन के अंदर अंदर, 10 दिन के अंदर अंदर अगर ये ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया, तो एक रिपोर्ट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी होगी कि सर किन ग्राउंड्स पे
किन ग्राउंड पे हमने उनको डिटेन किया। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट बना के देनी होगी सर हमने किन ग्राउंड्स पे उसको डिटेन किया है। ठीक है बेटियार, समझ गए अब कितनी मुश्किल से चार्ट बनते हैं। ठीक है तो इट इज नेसेसरी तो ऑर्डर पास कर दे, अगर उसको लगता है वो सेटिस्फाई हो जाता है। अगर उनको लगता है कि यस सर इनको डिटेन करना जरूरी है तो ऑर्डर ऑफ डायरेक्टिंग डिटेन। वो मैंने आपको बोला था अगर स्टेट गवर्नमेंट, अगर मैंने ऊपर भी बोला था नहीं आपको, अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर ऑर्डर पास करती है उसका ऑफिसर पास करता है तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट बना के देनी होगी। किस चीज की रिपोर्ट बना के देनी होगी, फॉरवर्ड करनी होगी एक रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सर हमने किन बिना पे किन बिना पे इन पे किन ग्राउंड पे इनको वो किया है। अब हम बोल रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 22 सब आर्टिकल 5 मतलब क्लोज 5, इसका मतलब नहीं सर मुझे समझ में आया अभी तो बताया था। देखो फटाफट नोट्स खोल के वहीं पे जाओ, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड और राइट टू लीगल राइट टू रिप्रेजेंटेशन। तो यस सर तो इन्फॉर्म्ड कैसे हो, कम्युनिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 22 सब आर्टिकल 5। अगर आपने वो नहीं पढ़ा होता तो ये समझ में नहीं आता, अब आप खोल खोल के गूगल कर दें। द कम्युनिकेशन टू अ पर्सन डिटेन, तो वो पर्सन जो हमने डिटेन किया है अपनी कस्टडी में डाला है इन पर्सन ऑफ डिटेंशन ऑर्डर, तो जो डिटेंशन ऑर्डर ऊपर सीजी ने या एसजी ने पास किया है ऑफ द ग्राउंड्स, तो क्या चीज कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन। अब देखो मैंने जो डार्क किया ना सिर्फ ये भी पढ़ जाओगे तो काम चल जाएगा। ऑफ द ग्राउंड्स ऑन विच द ऑर्डर हैज बीन मेड शैल बी मेड एज सून एज मे बी आफ्टर द डिटेंशन, तो उसको कम्युनिकेट करेंगे कब कम्युनिकेट करेंगे सर, एज सून एज मे बी मतलब टू द एक्सटेंट मतलब जल्दी से जल्दी हो सकता है उसको क्या करेंगे कम्युनिकेट करेंगे एज सून एज मे बी। लो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तो जल्दी से जल्दी आफ्टर द डिटेंशन कर देंगे, लेकिन कभी भी भाई जल्दी से जल्दी करना लेकिन 5 दिन से लेट नहीं करना, बट ऑर्डिनरीली मतलब जनरली 5 दिन से ज्यादा नहीं करना, 5 दिन के अंदर कर देना है। बट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस भाई ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में 5 दिन, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, और रीजन भी आपको बताना है रिटर्न में कि क्या ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हुए हैं जो हमने जो पर्सन को उठाया है प्रिवेंटिव डिटेंशन की है उसको बताने में हमें 5 दिन से भी ज्यादा टाइम लग रहा है, तो 15 दिन तक का टाइम मैक्सिमम है। और 15 दिन कहाँ से, जिस दिन से हमने उनको डिटेन किया है उस दिन से 15 दिन के अंदर बता देना है। तो सब बच्चों को समझ में आया, पहली चीज क्या सीजी भी ऑर्डर पास कर सकता है। तो सेक्शन 3 क्या बोलता है, डिटेंशन ऑर्डर। अब पावर किसके पास है अबाउट टू मेक डिटेंशन ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या इसके ऑफिसर्स। ऑफिसर्स का रैंक क्या होगा, जॉइंट सेक्रेटरी, या फिर किसके पास है और स्टेट गवर्नमेंट या इसके एनी एनी ऑफिसर। अब एनी ऑफिसर का रैंक सेक्रेटरी जितना। अब लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट कर रही है तो इनको सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना होगा, रिपोर्ट देनी होगी। कितने दिन में रिपोर्ट देनी होगी, 10 डेज के अंदर अंदर, विद इन 10 डेज ऑफ डिटेंशन। अब इन्होंने किया है, इन्होंने किया वट एवर द केस में भी, अगर इनको लगता है ये सेटिस्फाई हो जाए, किन चीजों को सेटिस्फाई हो जाए, याद है कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड स्मगलिंग एक्टिविटीज, और जो भी वो स्मगलिंग एक्टिविटीज हमने पढ़ी है, तो ऑर्डर पास कर सकते हैं क्या, ऑर्डर प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब ये ऑर्डर पास कर स्टेट गवर्नमेंट ने किया तो अगले 10 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा, और जिस दिन से प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर पास किया मिनिमम मतलब मैक्सिमम 5 डेज क्या हो जाना चाहिए हमें कम्युनिकेट, लिख लो इसको साफ साफ लिख लेना, मेरा ये प्रॉपरली वर्क नहीं करता, हमें कम्युनिकेट कर देना है किसको, जिस पर्सन को हमने प्रिवेंटिव डिटेन किया है।
लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में कितना हो जाएगा ये बढ़ के, पता नहीं क्यों नहीं वर्क कर रहा प्रॉपरली। 15 days ये ऐसे फैल रहा है, कितना हो जाएगा ये 15 days, डन ना? तो मिनिमम 5 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए ऑर्डिनरी केस में, बट एक्सेप्शनल केस में। और ये क्यों करना पड़ेगा, आर्टिकल 22 क्लोज 5 को ध्यान में रखते हुए। होप सो सबको समझ में आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन हमारा और सेक्शन हमारा हो चुका है, आगे बढ़ो। एग्जीक्यूशन ऑफ डिटेंशन ऑर्डर, भाई डिटेंशन ऑर्डर जो सेक्शन 3 में आया, अब उसको एग्जीक्यूट कैसे करें? ध्यान से, मैं हर मैं ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, अगर फेस टू फेस बैठे होते ना, मैं एक एक बच्चे थे ना, मैं ये पूछता कि ये मैंने आज करवाया क्या, मैंने बहुत जान लगाई है, लिटरली 7-8 घंटे की मेहनत है मेरी आज इस वाले एक्ट पे। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को मैंने डिटेन करने के लिए मैं सुबह से बैठा हूँ, सुबह से वेट कर रहा हूँ मैं कि कब मैं इसको रिकॉर्ड करूँ, कब मेरी शांति हो आसपास, शोर शराबा ना हो और मैं इसको रिकॉर्ड करूँ। ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, प्लीज 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 ये वाला एक्ट कर लेना, मेरा दिल बोल रहा है मिनिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा इस वाले एक्ट से, प्लीज प्लीज। एग्जीक्यूशन ऑफ डिटेंशन ऑर्डर लास्ट में रिवाइज करेंगे इसको, एग्जीक्यूशन ऑफ डिटेंशन ऑर्डर। अब एग्जीक्यूट करना सर डिटेंशन ऑर्डर, मतलब जो ऊपर सेक्शन 3 में डिटेंशन ऑर्डर पास किया उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? सर उसको एग्जीक्यूट ऐसे करेंगे जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में वारंट को एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे कि एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट। तो कोई भी अरेस्ट वारंट इशू कर दिया तो जैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाता है मजिस्ट्रेट की हेल्प लेके या किसी भी तरीके से, तो उसी तरीके से इसको भी अरेस्ट वारंट की तरीके से ही एग्जीक्यूट किया जाएगा। आगे पावर टू रेगुलेट प्लेस एंड कंडीशंस ऑफ डिटेंशन, मतलब सर कहां कहां और किन किन बना बिना पर हम उनको डिटेन करेंगे, किस एरिया में और किस एरिया तक आप नहीं जाओगे या क्या करोगे, आपको किस तरीके से रोका गया है और किन किन कंडीशंस में हमने आपको डिटेन किया, सेक्शन 5 बोलते हैं, ध्यान से पढ़ना। सेक्शन 5 ए भी आएगा अभी। एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम ए डिटेंशन ऑर्डर हैज बीन मेड, तो जिसके लिए भी डिटेंशन ऑर्डर पास किया गया है, शैल बी लायबल, वो पर्सन लायबल है टू बी डिटेन, हम उसको लायबल है सर, हम उसको डिटेन कैद करके रखेंगे इन सच प्लेस, उस ऐसी जगह हमें उसको कैद करके रखना है, हो कोई जरूरी है जेल में कहीं, उसके घर पे बाहर ताला लगा देना, सील करके चला जाना, सबके पास पावर थोड़ा होते सील करने की। इन सच प्लेस एंड अंडर सच कंडीशन, उन प्लेस पे और उन कंडीशंस में, इंक्लूडिंग कंडीशंस एज टू, और कंडीशंस कैसे लगा सकते हैं, मेंटेनेंस आपको इस तरीके से मेंटेन होना है, अगर इंटरव्यूज जब आपसे इंटरव्यू लेने के लिए आपको इंटरव्यू देना है, कम्युनिकेशंस विद अदर आपको बस यही बात दूसरे को बतानी है, इस तरीके से बातें करनी है, डिसिप्लिन ऐसे आपको रहना है, पनिशमेंट ऐसे आपको पनिशमेंट देना फॉर ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन, तो ये सारी कंडीशंस लगा सकता है जो भी ऑर्डर पास करेगा उसके पास पावर है फॉर ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन। अगर आपने ऐसा किया तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर स्पेसिफाई, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये सारी चीजें सारी कंडीशंस बाय वे ऑफ जनरल और स्पेशल ऑर्डर्स बता सकती है। और क्या बोल सकते हैं, टू बी रिमूव फ्रॉम वन प्लेस, और पूरी पूरी पावर है जिस पर्सन ने आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने, उसके पास पूरी पूरी पावर है आपको एक जगह जहां आपको पहले रखा गया था वहां से हटा के वन प्लेस ऑफ टू अनदर प्लेस ऑफ डिटेंशन आपको कर सकती है, ये पूरी पूरी पावर है। लेकिन ध्यान रखना विद इन द सेम स्टेट भी कर सकती है और एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी कर सकती है, बट नीचे में एक प्रोविजो आएगा, वो प्रोविजो क्या बोलता है, अगर हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर करते हैं ना, तो एक चीज का ध्यान रखना है, तो दूसरी स्टेट वालों से पहले अप्रूवल लेनी है। देखो ये चीज बोली गई है, विद इन सेम स्टेट भी हो सकता है, देखो ये मैं हाईलाइट करता हूँ, वो एक जगह से दूसरी जगह एक सेम स्टेट भी हो सकता है और इन अनदर स्टेट भी हो सकता है, बट प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर शैल बी मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर क्लोज बी, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट तो पास कर देगी कोई बात नहीं, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर पास किया था और वो एक दूसरे से दूसरी स्टेट में भेज रही है क्लोज बी में, फॉर द रिमूवल ऑफ द पर्सन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट अदर स्टेट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था तो वो तो रिमूव भी कर सकते हो, कहीं दूसरी जगह भी भेज सकते हैं, दूसरी स्टेट में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है भाई, मोदी जी सत्ता में, पूरे इंडिया में उनका राज है। लेकिन अगर कोई भी एक स्टेट गवर्नमेंट है, हरियाणा वाले, तो पंजाब में भेजने से पहले पंजाब गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, ना? आगे बढ़ो। अब सेक्शन 5A थोड़ा सा ध्यान से, 6 सेक्शन नहीं है, कभी जल्दी जल्दी में सेक्शन 6 पढ़ जाओ, सेक्शन 6 नहीं है, 5A है, सेक्शन 6 अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 5 क्या है, ग्राउंड ऑफ डिटेंशन सेवरेबल, बड़ा अच्छा सेक्शन है। देखो हो सकता है एक से ज्यादा ग्राउंड हो, मोर देन वन ग्राउंड हो, तो उस केस में सब ग्राउंड्स को सेपरेटली ट्रीट किया जाएगा और सेपरेट आपके ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन की जाएगी। वाह भाई वाह, हो सकता है आपने स्मगलिंग के लिए पकड़े गए हो उसके लिए अलग से, हो सकता है आपने कंजर्वेशन में पकड़े गए हो उसके लिए अलग से, तो अलग अलग ग्राउंड तो अलग अलग डिटेंशन ऑर्डर आएगा। देखो मेरे पर्सन हैज बीन डिटेन्ड इन पर्सुएंस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ डिटेंशन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3, सही बात है सर, डिटेंशन ऑर्डर आया
विच हैज बीन मेड ऑन टू और मोर ग्राउंड, मतलब एक से ज्यादा ग्राउंड, दो या दो से ज्यादा ग्राउंड हैं, सच ऑर्डर ऑफ डिटेंशन शैल बी डीम्ड, मान लिया जाएगा टू हैव बीन मेड सेपरेटली, जैसे कि सर दोनों आपने सेपरेटली ट्रीट किए जाएंगे ऑन ईच ऑफ सच ग्राउंड्स, हर एक ग्राउंड पे हम उसको सेपरेटली ट्रीट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली क्या होगा, सच ऑर्डर शैल नॉट बी डीम्ड टू बी इनवैलिड, और वो ना कि सिर्फ मेयर इस बना पे इनवैलिड माना जाएगा, इस बिना पे इनवैलिड माना जाएगा, शैल नॉट बी डीम्ड टू बी इनवैलिड, देखो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, शैल नॉट बी डीम्ड टू बी इनवैलिड और इनऑपरेटिव, किस चीज पे इनवैलिड और इनऑपरेटिव, मियरली बिकॉज वन और मोर ऑफ द ग्राउंड्स इज, अब हो सकता है कोई एक ग्राउंड, अगर एक से ज्यादा ग्राउंड में मैंने आपको डिटेन किया और सेपरेट सेपरेट मान के आपकी सजा इतनी बढ़ा दी मैंने, इतने महीने के लिए, 2 महीने, 3 महीने के लिए आप उसमें, 3 महीने के लिए इसमें, 6 महीने हो गए, अब हो सकता है कोई एक ग्राउंड बाद में ना इंक्वायरी के बाद ये निकल जाए, अब एडवाइजरी बोर्ड ने इंक्वायरी की और उसके टाइम पे निकल जाए कि नहीं सर ये गलत था, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मेरे एक ग्राउंड अगर आपका कोई वेग निकल गया, इनवैलिड निकल गया, इररिलेवेंट निकल गया, तो उसके बेस पे जो आपका प्रूफ भी हुआ है उसके आपका पूरा का पूरा ऑर्डर ही वॉइड हो जाएगा, नहीं वो पर्टिकुलर आपका वॉइड होगा, मान लिया जाएगा दोनों ग्राउंड्स आपके सेपरेट हैं, डीम्ड टू बी सेपरेट, दोनों के लिए सेपरेट है, तो आपको उस पर्टिकुलर ग्राउंड के लिए आपको सजा नहीं मिलेगी, उस वाले ग्राउंड के लिए आपको सजा मिल जाएगी, पढ़ते रहना अब इसको, इसका एक सबसेक्शन था ये मैंने हटा दिया, नीचे वाला क्लोज, बी वाला क्लोज मैंने हटा दिया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, उसको मत पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, जैसे सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट था, डिटेंशन ऑर्डर नॉट टू बी इनवैलिड और इनऑपरेटिव ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, अगर ये कुछ ग्राउंड हो गए तो हम इसको इनवैलिड इनऑपरेटिव नहीं मानेंगे, क्या ग्राउंड, सर मैंने ऑर्डर पास किया था लेकिन किस पे पास कर दिया, जिस पर्सन पे मैंने पास किया है ना उसकी ज्यूरिडिक्शन बाहर है, बाहर वाला है, फॉरनर है, ऊपर तो पढ़ के हैं, फॉरनर पे लगेगा, या फिर वो मेरी ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता, वो प्लेस मेरी ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता, स्टेट गवर्नमेंट हूं और मुझे लगा कि गलत हो रहा है मैंने पास कर दिया, कोई बात नहीं, उसको मेरे लिए इस ग्राउंड पे हम इनवैलिड नहीं माने कि मेरी ज्यूरिडिक्शन नहीं थी, तो नो डिटेंशन ऑर्डर शैल बी इनवैलिड और इनऑपरेटिव मेरली बाय रीजन, सिर्फ इस रीजन की वजह से, दैट क्या, द पर्सन टू बी डिटेन, जो पर्सन हमने कैद में डाला है, डिटेन किया है, देयर अंडर इज आउटसाइड द लिमिट ऑफ टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, भाई मेरी लिमिट से बाहर था, वो दिल्ली वाला था, मैं हरियाणा वाला हूँ, ये क्या मतलब हुआ भाई, ऑफ दैट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब उस गवर्नमेंट का, और द ऑफिसर मेकिंग द ऑर्डर ऑफ द डिटेंशन, तो जनरली में क्या बोलते, तो स्टेट गवर्नमेंट की बात की जा रही है या फॉरनर्स की बात की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में, सही बात है जी, और दैट द प्लेस ऑफ द डिटेंशन ऑफ सच पर्सन इज आउटसाइड द सेड लिमिट, और हो सकता है या फिर या तो वो पर्सन हमारे जुडिक्शन से बाहर का था, या फिर वो प्लेस जहां वो पकड़ा गया है वो हमारी समुद्री जो सीमाएं हैं उससे बाहर हमने पकड़ा था, लेकिन लेके तो इंडिया से गया था, कोई बाहर से स्मगल करने के लिए आया है बंदा, ऑल्दो हमारा एक्ट नहीं लेगा बट पकड़ तो हम उसको भी सकते हैं, तो मेयरली वो पर्सन आउटसाइड द लिमिट टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन है उस गवर्नमेंट का, या वो प्लेस हमारे से बाहर का है, सिर्फ इस ग्राउंड पे हम पूरे के पूरे ऑर्डर को क्या नहीं करेंगे, इनवैलिड या इनऑपरेटिव नहीं करेंगे, मेरे अकॉर्डिंग 100 के 100% नंबर, 100 मार्क्स इसके ऊपर परसेंटेज लगा लो, आ सकता है एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, केस स्टडी बना के ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, डन, इंपोर्टेंट मार्क कर लो, आगे बढ़ो, एफ पॉइंट, पावर इन रिलेशन टू एब्सकॉन्डिंग पर्सन, एब्सकॉन्डिंग का मतलब सब बच्चों को पता होगा, बता दो, एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है जी भगोड़ा, जो भाग गया है, मतलब पावर है, अगर कोई भी भगोड़ा है तो उसकी, उस केस में हम अलग से कुछ ना कुछ कर सकते हैं, और उस केस में क्या होगा, वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सर सेंट्रल गवर्नमेंट, कहीं डूब के मर जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, अभी तो पढ़ा था, स्टेट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब जो भी ऑर्डर पास कर सकती है, सेक्शन 3 क्या बोलता है, दोनों दोनों ऑर्डर पास कर सकती है, डेफिनेशन में भी पढ़ा था, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को अगर लगता है कि वो पर्सन जिसके लिए डिटेंशन ऑर्डर दिया है वो भगोड़ा है, वो भाग सकता है, या वो अपने आप को छिपा सकता है और फिर हमें मिलेगा नहीं, उस केस में उसको उठाने जाने से पहले क्या कर सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट से या फिर मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास से हम हेल्प ले सकते हैं, और देन वो पिक्चर में आएगा मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और मान लिया जाएगा जैसे कि सेक्शन 82-85 ऑफ द सीआरपीसी अप्लाई हो गया, और उस पर्सन को और उसकी प्रॉपर्टी को हम इस तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे कि वारंट इशू करते हैं, अरेस्ट वारंट इशू होता है सेक्शन 82-85 ऑफ सीआरपीसी में, मान लिया जाएगा हम क्या करेंगे, रिपोर्ट भेजेंगे राइटिंग में, किसके पास रिपोर्ट भेजेंगे, मेक ए रिपोर्ट इन राइटिंग मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास, और मान लिया जाएगा जहां वो और कहां जो जिस ज्यूरिडिक्शन में वो प्राणी रहता है जिसको हमने उठाना है, ऑर्डिनरी रिसाइड्स, एंड देयर अपॉन जो प्रोविजन है सेक्शन 82-85 ऑफ द सीआरपीसी शैल अप्लाई
इन रिस्पेक्ट ऑफ द सैड पर्सन, उस पर्सन के लिए या उस प्रॉपर्टी के लिए जिसके लिए हमने डिटेंशन ऑर्डर पास किया है, एज इफ जैसे कि द ऑर्डर डायरेक्टिंग दैट, जो ऑर्डर पास किया गया था यानी डिटेंशन ऑर्डर दैट ही बी, जैसे कि डिटेन्ड वरा वॉरेंट, मान लिया जाएगा वो ऑर्डर, डिटेंशन ऑर्डर इज इक्वल टू वॉरेंट, तो अरेस्ट वॉरेंट ही मान लिया जाएगा जैसे कि मजिस्ट्रेट ने ही पास किया था। तो लिख लो डिटेंशन ऑर्डर इज इक्वल टू अरेस्ट वॉरेंट मान लिया जाएगा, और सेक्शन 82 to 85 ऑफ सीआरपीसी एप्लीकेबल हो जाएगा। अरेस्ट वॉरेंट मजिस्ट्रेट भेजता, पूरी पूरी टीम को जाओ और उठा के लेके आओ उसको, तो किसी भी तरीके से फिर उसको उठा सकते हैं। ठीक है, फिर और क्या हो सकता है, और दूसरा वे क्या हो सकता है सर, हो सकता है वो गवर्नमेंट खुद से ही, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफिकेशन पास कर सकती है और बोल सकती है डायरेक्ट द सैड पर्सन, और उस पर्सन को बोल सकते हैं कि आओ भाई खुद आओ उठ के यहाँ, अपियर बिफोर सच ऑफिसर जिस ऑफिसर ने पास किया है, या फिर बोल सकते हैं उस ऑफिसर के सामने आओ, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोल सकते हैं कि इस ऑफिसर, सच ऑफिसर एट सच प्लेस एंड विद इन सच पीरियड, बोल सकते हैं कि यहां आपको आके मिलना होगा, इस जगह इस टाइम और इस दिन आपको आके मिलना होगा, अपने ऑर्डर के अंदर बता दिया जाएगा। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो रिपोर्ट दे दे और रिपोर्ट में क्या बोला, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वगैरह अरेस्ट वारंट फाइल कर दे, या फिर एक नोटिफिकेशन है तो ऑफिशियल गैजेट में दे दे और उस पर्सन को बोल दिया जाएगा कि आपको खुद से अपियर होना पड़ेगा, टू अपियर, एड पर्सन टू अपियर, सच ऑफिसर इसके सामने इस जगह इस दिन इस टाइम आपको होना पड़ेगा। अगर वो पर्सन आने से फेल हो जाता है, इफ सैड पर्सन इज फेल्स, अगर वो पर्सन आने से मना कर देता है, डिफॉल्ट करता है, तो कंपनी द कंप्लाई करने में डायरेक्शंस को ही शेल, अनलेस कोई रीजनेबल कॉज नहीं है, मतलब अगर रीजनेबल कॉज है तो बात एक अलग है, कहानी एक अलग हो जाएगी, अनलेस ही प्रूव दैट इट वाज नॉट पॉसिबल, भाई मेरे लिए पॉसिबल नहीं था वहां तक आना, अगर वो प्रूफ नहीं कर पाया तो पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद फाइन और विद बोथ, तो कंपाउंडेबल है, और तो पनिशेबल है, आपको 1 साल तक की सजा हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, और दोनों चीजें भी हो सकती हैं। होप सो सबको समझ में आया होगा। अगर भगोड़ा है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास दो बातें, या तो रिटर्न में रिपोर्ट कर देगा मैजिस्ट्रेट को, कौन मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट या मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, दोनों सेम लेवल के होते हैं, और कौन सा, जिस जुडिक्शन में वो हम प्रिवेंटिव डिटेंशन करना है, देन मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, मान लिया जाएगा इस एप्लीकेशन को, इस रिपोर्ट को मान लिया जाएगा जैसे कि सेक्शन 82 to 85 की तरह से ट्रीट करेंगे, और वो क्या बोलते हैं अपने आप में, अरेस्ट वारंट। और या फिर दूसरा वे क्या है, हम ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफिकेशन पास कर देंगे और उस पर्सन को बोला जाएगा कि आप खुद से अपियर हो आओ, और आपको इस पर्सन इस ऑफिसर के सामने इस दिन इस जगह और इस मैनर में आपको आना पड़ेगा। अगर वो आने से मना करता है और अगर उसके पास कोई वैलिड सबूत नहीं है, रीजन नहीं है वहां ना पहुंचने का टाइम पे, तो उसको कम से कम 1 साल अप टू 1 ईयर तक की जेल हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, और दोनों चीजें भी हो सकती हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, इसके ना ब्रैकेट लगा लो इस वाले पॉइंट पे और लिख लो कॉग्निजेबल, ये अपने आप में कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है सर, अपने में सीरियस माना जाएगा, जो क्लोज बी है, अगर आपने को उसके ऑर्डर को एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ऑर्डर की अवहेलना की तो मान लिया जाएगा इट इज अमाउंट्स टू कॉग्निजेबल ऑफेंस करना। चलो जी मैं कह रहा हूं 500% लिख लो, मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगा, 500% लिख लो जी, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एडवाइजरी बोर्ड सेक्शन 8। आप लोगों के कुछ बच्चों के नोट्स में सेक्शन नहीं लिखा होगा, प्लीज 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 काइंडली मेंशन योर सेक्शन हियर, सेक्शन 8 इधर मेंशन कर लो आप लोग। तो सेक्शन 8 क्या बोलते हैं, एडवाइजरी बोर्ड, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी आर्टिकल 22 सब आर्टिकल 5 के अंदर पढ़ा था कि विद इन थ्री मंथ क्या होगा, मतलब मैक्सिमम 3 महीने के अंदर अंदर डिटेंशन होनी चाहिए, अनलेस अगर एडवाइजरी बोर्ड उसको बढ़ा दे, और एडवाइजरी बोर्ड पढ़ा था कितने दिन तक के लिए बढ़ा सकता है, एडवाइजरी बोर्ड कितने दिन के लिए बढ़ा सकता है, 2-4 के अंदर पढ़ा था मैक्सिमम उतना जो उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर बताई गई हो, और उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर मैंने बताया था सेक्शन 10 में पढ़ेंगे हम जाके, मैक्सिमम 1 साल या 2 साल, सेक्शन 9 अप्लाई नहीं हो रहा है तो 1 साल, सेक्शन 9 अप्लाई हो रहा है तो 2 साल। देखो जी आ जाओ सर, एडवाइजरी बोर्ड की पहले कहानी सुन लो एक बार थोड़ी सी, एडवाइजरी बोर्ड को बनाते टाइम पे हमें किस चीज का, फॉर द पर्पस ऑफ, अभी तो मैंने बताया था जब हम एडवाइजरी बोर्ड पढ़ेंगे किन आर्टिकल का ध्यान रखना है, आर्टिकल 22 सब आर्टिकल 4 क्लोज ए और आर्टिकल 22 क्लोज 7 सी, मतलब अगर इसका ध्यान रखना है और इनको ध्यान रख, ये क्या बोलता है, मतलब इसके सामने लिख लो बच्चों, ये वाला तो मैंने नीचे डाल दिया, इसके सामने लिख लो ये क्या बोलता है अपने आप में, मैंने आपके लिए पहले मेंशन नोट डाउन कर रखा है, रुको ये ना, आर्टिकल 22 सब आर्टिकल 7, पार्लियामेंट मे बाय लॉ
पार्लियामेंट बाय वे ऑफ लॉ प्रिस्क्राइब कर सकती है, क्या प्रिस्क्राइब कर सकती है सर, द प्रोसेस द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय एन एडवाइजरी बोर्ड इन एन इंक्वायरी। तो इंक्वायरी जब वो करेगा एडवाइजरी बोर्ड कि इसको बढ़ाया जाना चाहिए, एक्चुअली में ये इन्होंने करना, ये पर्सन है कि नहीं है, इसको डिटेन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो वो इंक्वायरी बताया जाएगा कि कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बाय लॉ बना के करेगा, या फिर किस क्लास और क्लास ऑफ द पर्सन को 3 महीने या उससे ज्यादा पेड़ के लिए रखा जाना चाहिए, उन सारी चीजों के लिए टाइम पीरियड फिक्स करना, किस क्लास और क्लास ऑफ द पर्सन को डिटेन करना चाहिए, मैक्सिमम पेड़ कितना होना चाहिए, वो सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो मैंने आपको बताया था पावर ऑफ पार्लियामेंट है टू डिसाइड इंक्वायरी कितने दिन के लिए है, इसको बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, वो सारे डिसीजन कौन लेगा, सब आर्टिकल 7 के अंदर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लेगा। होप सो सबको समझ में आ गया होगा ये चीज। अब हम पढ़ते हैं एक बार, आप छोटा सा ना समझते जाओ क्या करना चाहिए, पहले पढ़ाना चाहिए या पहले समझाना चाहिए, समझ लो पहले या पढ़ लो पहले, उसके बाद समझते, छोड़ो। वर्ड टू वर्ड एनालिसिस करते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 22 सब आर्टिकल 4A ये पढ़ते हो, द सेंट्रल गवर्नमेंट और ईच स्टेट गवर्नमेंट शेल सीजी और हर एक स्टेट गवर्नमेंट शेल व्हेन एवर नेसेसरी जब भी जरूरी है कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक या एक से ज्यादा एडवाइजरी बोर्ड, ईच ऑफ विच हर एक किससे मिलके बनेगा, हर एक एडवाइजरी बोर्ड के अंदर एक चेयरपर्सन होगा और दो या दो से और टू अदर पर्सन होंगे, टू अदर पर्सन कौन होंगे, मेंबर्स होंगे, वो कौन होंगे, पजेसिंग द क्वालिफिकेशन, वो पर्सन और वो चेयरपर्सन जो होगा, चेयरमैन जो होगा वो क्वालिफिकेशन को पजेस करेगा, जो क्वालिफिकेशन कहाँ बताई गई है, आर्टिकल 22 सब आर्टिकल 4A के अंदर बताई गई है। अब आपकी मॉड्यूल के अंदर तो ये है नहीं, बट मैंने फिर भी उठाया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से और ऑथर्स नोट करके इसको अपना डाल दिया। और वो क्या बोलता है सर, कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन को ऑथराइज करता है, द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन लॉन्गर देन द पीरियड ऑफ 3 मंथ, अभी तो बताया था अनलेस कर सकता है, अनलेस एन एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन हु आर जो कि या तो है एडवाइजरी बोर्ड और जो किससे मिलकर बना होगा, अनलेस जब तक कोई भी एक ऐसा एडवाइजरी बोर्ड जो कम से कम हु आर और हु हैज बीन हैव बीन और आर क्वालिफाइड, मतलब अपॉइंट हो सकता भी हुआ नहीं है, टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ हाई कोर्ट, तो अगर ऐसा पर्सन है एडवाइजरी बोर्ड का चेयरपर्सन मेंबर, अगर ऐसे पर्सन है तो वो अगर उन्होंने रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 3 मंथ, तो 3 महीने से पहले अगर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी, और क्या रिपोर्ट दे दी, दैट देर आर दैट देर इन इट्स ओपिनियन सफिशियंट कॉज फॉर सच डिटेंशन, सर हमारे ओपिनियन से इस पर्सन को और ज्यादा लंबे पीरियड के लिए डिटेन करना चाहिए, लेकिन वो मैक्सिमम पीरियड कितना पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बताएगा लॉ बना के, और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने लॉ बनाया, कोफेपोसा एक्ट बनाया, अभी तो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं ना, हमने पढ़ इसके साथ में मिला के 22(7) पढ़ेंगे, तो बोलता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लॉ बनाएगा, मैक्सिमम पीरियड कितना उस लॉ के अंदर बताया जाएगा जिस लॉ की वजह से इसको उठाया गया है, और उस लॉ में हम कोफेपोसा एक्ट में हमने सेक्शन 10 के अंदर पढ़ेंगे, वो मैक्सिमम पीरियड कितना है इतना होगा। तो समझ में आया, तो एडवाइजरी बोर्ड में एक चेयरपर्सन होगा और दो अदर पर्सन होंगे, और चेयरमैन होगा दो अदर पर्सन होंगे, और उनका रैंक ये होना चाहिए, इतना सबको समझ में आया। सीजी भी बना सकता है और एसजी भी बना सकता है और एक एक ज्यादा बना सकता है, लेकिन हर एक का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ही होना चाहिए। तो यहां क्या आप देख सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड AB, ठीक है, आगे बढ़ो। सेम एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 9, सर सेक्शन 9 में कुछ भी लिखा है उसको एक बार साइड कर दो, जब हम सेक्शन 9 पढ़ेंगे तो उसकी तरफ भी ध्यान देंगे, फिलहाल के लिए भूल जाओ। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट शेल 5 हफ्ते के अंदर अंदर, ये चीज आपको याद रखनी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 5, हमने तो ऊपर पढ़ा 3 महीने के अंदर अंदर एडवाइजरी बोर्ड को भी अपना डिसीजन देना है, अपनी रिपोर्ट देनी है, अब 5 हफ्ते का मतलब है 1 महीना, अप्रोक्सीमेटली 1 महीना और 7-8 दिन, तो 5 हफ्ते के अंदर अंदर जब से डिटेंशन किया है हम रेफरेंस देंगे कि सर हमने ऐसे पर्सन को डिटेन किया है, किसको, एडवाइजरी बोर्ड को, और क्या जो क्लोज ए वाली देंगे कि सर हमने ऐसे पर्सन को जो बनाई गई थी क्लोज ए में, कि सर आप अपनी रिपोर्ट प्लीज 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 आप अपनी रिपोर्ट दे दो, और किसके ऐसी कमेटी के अंदर रिपोर्ट दे दो, फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 22 के अंदर जाके रिपोर्ट दे दो। अब आगे क्या होगा, एडवाइजरी बोर्ड, ध्यान से वाला पॉइंट, एडवाइजरी बोर्ड ने जो उसको रेफरेंस मिली है क्लोज बी के अंदर, जो उनको रेफरेंस मिली है कि सर आपको रिपोर्ट देनी है अपनी, शेल आफ्टर कंसीडरिंग, तो उस रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए
द रेफरेंस और जो भी मटेरियल प्लेस उसके सामने और जो डॉक्यूमेंट है जो भी चीजें उसके सामने रखी गई हैं कि सर इसके टाइम पीरियड को बढ़ाया जाना चाहिए, आप एक बार कंसिडर कर लो, एंड आफ्टर कॉलिंग फॉर सच फर्दर इन्फॉर्मेशन जो रखी गई थी वो भी, और जो उसको और मंगवानी थी वो भी। यहाँ मैंने थोड़ी सी चेंज किया, एक बढ़िया तरीके से ड्राफ्टिंग की है आपकी बुक में, अब नए वाले नोट्स में, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। और फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन एज इट बीन डीम्ड नेसेसरी, जो भी मुझे सही लगी मैंने वो भी मंगवा लिया आप लोगों से। फिर किससे, या तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से मंगवा ली, यानी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसने रेफरेंस दिए मेरे को, या फिर किसी भी पर्सन से मंगवा ली थ्रू अप्रोप्रिएट सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से मंगवानी थी, कोई भी पर्सन से मंगवा ली किसके फॉर द पर्पस, एनी पर्सन कोल्ड और एनी पर्सन कोल्ड फॉर द पर्पस थ्रू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लैंग्वेज थोड़ी बकवास है बट रिटेन करनी पड़ेगी, आगे बढ़ो, द पर्सन कंसर्न, या फिर उसी डेट जो पर्सन कैद करके रखा है उसी से कोई फर्दर इंफॉर्मेशन ले ली हमने, तो उन सारे मटेरियल्स को माइंड में रखते हुए, उन सारे इंफॉर्मेशन को माइंड में रखते हुए, इफ इन एनी पर्टिकुलर केस, अगर किसी भी केस में इट का मतलब एडवाइजरी बोर्ड कंसिडर इट इज एसेंशियल सो टू डू, भाई जरूरी है, मुझे खुद से एडवाइजरी बोर्ड को लगता है कि जरूरी है सर, क्या जरूरी है, क्वेश्चन चलाओ दिमाग, मुझे तो पता ही है, उसका इन पर्सन उसकी रिप्रेजेंटेशन रखना। और इफ द पर्सन कंसर्न, यानी जो पर्सन कंसर्न का मतलब जो जेल में पड़ा है, जिसकी डिटेंशन हुआ है, डिटेंटी की बात की जा रही है, डिटेंटी डिजायर्स टू बी हर्ड इन पर्सन, या तो वो खुद चाहता है डिजायर्स टू बी हर्ड इन पर्सन, या फिर उनको खुद लगता है एडवाइजरी बोर्ड को कि सर उसको सुना जाना चाहिए, तो आफ्टर हियरिंग हिम इन पर्सन, तो ऊपर बोला गया है मटेरियल को ध्यान में रखते हुए, रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए, इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए, और अगर उसको फिजिकली इन पर्सन अगर उसकी प्रेजेंटेशन रखी गई है, हमने बोला था ना आर्टिकल 22 के अंदर, सब आर्टिकल 5 के अंदर राइट टू बी प्रेजेंटेशन, तो उसकी प्रेजेंटेशन अगर हमने सुन ली तो प्रिपेयर इट्स रिपोर्ट, वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा, और उस रिपोर्ट के अंदर एक सेपरेट पैराग्राफ, इन ए सेपरेट पैराग्राफ देयर ऑफ इट्स ओपिनियन एज टू वेदर और नॉट द सफिशियंट कॉज फॉर डिटेंशन कंसर्न, और सेपरेट पैराग्राफ के अंदर अपनी रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के अंदर सेपरेटली एक पैराग्राफ बनाएगा, और उस पैराग्राफ वो अपने आप में कॉन्फिडेंशियल नहीं होगा, वो तो पब्लिकली बता देंगे सर एडवाइजरी बोर्ड की रिपोर्ट आई है और वो बोलती है कि यस इसको क्या होना चाहिए, इनको आगे बढ़ा जाना चाहिए, इनका टाइम पे डिटेंशन का बढ़ा जाना चाहिए, तो वो रिपोर्ट के अंदर एक अलग से क्लोज सेपरेटली क्लोज बनाएगा कि यस मेरे ओपिनियन ये है इसको बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, तो वो उसकी रिपोर्ट के अंदर बताया जाएगा पूरा पूरा अच्छे तरीके से, और वो अपनी रिपोर्ट कब तक सबमिट करना चाहिए ध्यान से टाइम पर याद रखना, यहां मैं इसलिए बोल रहा हूं याद रखना, जब सेक्शन 9 का हम पढ़ेंगे तो उसका इंपैक्ट कुछ और आएगा, विद इन 11 वीक, 11 हफ्ते, 3 महीने में कितने हफ्ते होंगे, 4 3 12, तो अप्रोक्सीमेटली 3 महीने से पहले ही आ गई रिपोर्ट, तो विद इन 11 वीक, तो 3 महीने से पहले पहले रिपोर्ट आ जानी चाहिए, अभी हमने आर्टिकल पढ़ा था 22 फ्रॉम द डेट ऑफ द डिटेंशन, तो डिटेंशन से ना कि जब से उसको मिली एप्लीकेशन उस दिन से नहीं, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 11 हफ्ते को 5 + 6 से डिवाइड करेंगे तो तकरीबन 6 हफ्ते का ही टाइम मिलेगा इनके पास तो रिपोर्ट बनाने का, और अगर उन्होंने 5 हफ्ते की बजाय अगर 1 हफ्ते में ही बोल दिया था तो इनको कितने हफ्ते का टाइम मिलेगा, 10 हफ्ते का, अगर 2 हफ्ते का बोला था तो कितने हफ्ते का टाइम मिलेगा, 9 हफ्ते का, तो उस तरीके से ही देख लो, 5 हफ्ते से ज्यादा वो रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे, रेफरेंस नहीं लेंगे, मान लो 5 हफ्ते 2 दिन हो गए तो बस खत्म भाई, आप आगे रेफरेंस नहीं दे सकते हो, 5 हफ्ते के अंदर अंदर उनको करनी है और 11 हफ्ते के अंदर अंदर इनको अपनी फाइनल रिपोर्ट देनी है। सब बच्चों को समझ में आया, थोड़ा सा मैंने इसको बढ़िया तरीके से ड्राफ्टिंग करने की कोशिश की थी कि आप लोगों को समझ में आए, एक बार रिपीट करते हैं, स्टार्टिंग अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को अगर लगता है कि हमें एक एक से एडवाइजरी बोर्ड बनाना चाहिए तो बना सकते हैं, एक जिसका चेयरपर्सन होगा और 2 अलग पर्सन होंगे, और वो क्वालिफिकेशन जो आर्टिकल 22 सब आर्टिकल 4 क्लोज ए के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है, और कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कोई भी लो 3 महीने से, कोई भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 3 महीने से ज्यादा डिटेंशन का ऑर्डर पास नहीं कर सकती, अनलेस अगर एडवाइजरी बोर्ड जो कि एक ऐसे जज, एक ऐसे पर्सन से मिलकर बना है जो या तो है आर या फिर चलता आ रहा है या फिर क्वालिफाइड है टू बी अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, अगर वो रिकमेंड करता है कि 3 महीने से पहले, अगर वो रिकमेंड करता है कि 3 महीने से ज्यादा के लिए होना चाहिए तो हो सकता है, और 3 महीने से ज्यादा के लिए वो कितना होगा उसके लिए सब आर्टिकल 7 बीच में आ गया, और वो बोलता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा सर वो ज्यादा कितना होगा, इंक्वायरी का प्रोसीजर वही बताता है, और वो ज्यादा कितना होगा वो पर्टिकुलर लॉ के अंदर बताया जाएगा मैक्सिमम कितना होना चाहिए, उस लेवल तक एडवाइजरी बोर्ड ऑर्डर दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। फिर बोला गया है अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है कि उस पर्सन को बढ़ाया जाना चाहिए तो 5 हफ्ते के अंदर अंदर जब फिर रिटेंशन ऑर्डर आया है रेफरेंस दे देंगे एडवाइजरी बोर्ड को, एडवाइजरी बोर्ड वो जो ऊपर क्लोज ए के अंदर बताया गया है, एडवाइजरी बोर्ड को रेफरेंस दे दी जाएगी और
एडवाइजरी बोर्ड सी में क्या बोलता है, जब उसके पास रेफरेंस आई उसको ध्यान रखते हुए, कोई भी मटेरियल और लिए गए थे उसके साथ उसको ध्यान रखते हुए, कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने ले ली, उन सारी इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए, और वो इन्फॉर्मेशन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से किसी पर्सन से या फिर उस पर्सन कंसर्न से ही ध्यान में रखते हुए, या फिर अगर उनको खुद से लगता है कि उस पर्सन की प्रेजेंस होनी चाहिए, इन पर्सन आना चाहिए वो, या फिर उन पर्सन ने कंसर्न पर्सन ने एप्लीकेशन लगाई, सर प्लीज मेरी बात सुन लो एक बार मुझे बुला के, उस बात को ध्यान में रखते हुए हम एक रिपोर्ट बनाएंगे और उस रिपोर्ट को 11 हफ्ते के अंदर अंदर बता देंगे, और उस रिपोर्ट के एक सेपरेट पैराग्राफ बताएंगे कि हमारा ओपिनियन क्या है, बढ़ा जाना चाहिए घटा जाना चाहिए, सफिशियंट है कि नहीं है डिटेंशन करना, इसको बढ़ाना सफिशियंट है कि नहीं है, तो 11 हफ्ते के अंदर अंदर। एक चीज और, इनकेस अगर एडवाइजरी बोर्ड के अंदर सारा का सारा बोर्ड एक तरफा ना हो, ओपिनियन में डिफरेंसेस आए, तो इनकेस ऑफ यहाँ लिख लो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, तो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स का डिसीजन जो भी होगा, 3 या 4 का, जो 3 का 2 का जो भी होगा, मान लिया जाएगा इट इज द फाइनल। डॉग्स पार्किंग, तो थोड़ा सा मैनेज करो आवाज को। अ पर्सन अगेंस्ट हुम एन ऑर्डर ऑफ डिटेंशन हैज बीन मेड अंडर दिस एक्ट, तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट डिटेंशन, ध्यान से इस वाले पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट डिटेंशन ऑर्डर पास किया गया है शैल नॉट बी एंटाइटल, ये वाला है वो प्रोविजन, शैल नॉट बी एंटाइटल टू अपियर बाय एनी लीगल प्रैक्टिशनर, तो वो पर्सन एडवाइजरी बोर्ड के सामने किसी लीगल प्रैक्टिशनर के साथ नहीं अपियर हो सकता। देखो वर्ड वर्ड ना यहां मैंने यूज करा था इन पर्सन, क्या लीगल प्रैक्टिशनर हो सकते हैं? नो, इन पर्सन मतलब इन पर्सन, तो लीगल प्रैक्टिशनर के थ्रू नहीं हो सकता। एक चीज और इसी के अंदर, एक और पैराग्राफ है एंड पैराग्राफ का मतलब, एक और पॉइंट है इसमें, एंड के बाद एक अलग पॉइंट स्टार्ट होगा, एंड द प्रोसीडिंग्स ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड, तो जो भी सुनवाई हुई है कार्रवाई हुई है एडवाइजरी बोर्ड के सामने, इंक्वायरी हुई है चाहे वो इन पर्सन आया वो भी, और जो भी उसकी रिपोर्ट है, जो कार्रवाई हुई है वो, और जो उसकी रिपोर्ट बन के आई है, एक बार ना ये जो मैंने ब्रैकेट लगाई है, और जहां तक क्लोज केस को भूल जाओ, जो भी उसकी प्रोसीडिंग्स थी और जो भी उसकी रिपोर्ट बन के आई है शैल बी कॉन्फिडेंशियल, वो सारे की सारी कॉन्फिडेंशियल होगी, एक्सेप्ट वो चीज कॉन्फिडेंशियल नहीं होगी। कौन सी चीज नहीं होगी जी? दैट पार्ट ऑफ द रिपोर्ट, वो पार्ट रिपोर्ट का इन विच द ओपिनियन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड इज स्पेसिफाइड, तो वो सेपरेट पैराग्राफ जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसमें हम ये बताएंगे कि हमारा ओपिनियन क्या है, उसको छोड़ के और सारा का सारा हमारा क्या है कॉन्फिडेंशियल, वो हमें नहीं बताना। पढ़ा था आर्टिकल 22 सब आर्टिकल 6, देख लो भाई, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है वो चीज बताना भी आपको। रिप्रेजेंटेशन का था, इन पर्सन हम आप चले जाओ, लीगल प्रैक्टिशनर के थ्रू आप नहीं जा सकते, इन पर्सन आप जा सकते हैं। ठीक है, सब कुछ मैंने प्रूफ कर दिया कि बातें इन, ये बड़ा ध्यान से पढ़ना एफ पॉइंट, बहुत ध्यान से एफ पॉइंट, बार 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 यूज आएगा भी आपका वो, जो बहुत ध्यान से पढ़ने वाला। इन एवरी केस वेयर द एडवाइजरी बोर्ड हैज रिपोर्टेड दैट देयर इज इन इट्स ओपिनियन सफिशियंट कॉज, तो सर एडवाइजरी बोर्ड को लगता है कि सर हमारे ओपिनियन से सफिशियंट है उस पर्सन को डिटेन करके रखना और ज्यादा पीरियड के लिए, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ध्यान से इस वर्ड को पढ़ना, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे कंफर्म, शैल वर्ड नहीं है, एडवाइजरी बोर्ड का जो रिकमेंडेटरी ही माना जाएगा, चाहे तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको कंफर्म कर सकती है डिटेंशन को और उसके टाइम पीरियड को और आगे बढ़ा सकती है, एंड या फिर एंड का मतलब यहां, या फिर अगर एडवाइजरी बोर्ड बोलता है कि उसका ओपिनियन है कि उसको सफिशियंट नहीं है यार उस पर्सन को आगे बढ़ाए रखना, उसको डिटेन करके रखना, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल रिवोक। ध्यान से बोलते हैं बढ़ाना है तो आपके पास फिर भी चांस है कि आप बढ़ाओ या ना बढ़ाओ, लेकिन अगर आपको बोलते हैं सफिशियंट नहीं है, इंक्वायरी करने के बाद उस पर्सन को डिटेन करके रखना सफिशियंट नहीं है, तो उसको शैल रिवोक, इमीडिएटली कैंसिल करना होगा उसके डिटेंशन ऑर्डर को और उस पर्सन को रिलीज करना होगा फोर्थविद, फोर्थविद का मतलब होता है इमीडिएटली। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों पॉइंट्स में। ऊपर बोला गया मे, अगर आपने बोला बढ़ा दो उसको होना चाहिए तो आप मे चाहो तो उसको कंफर्म कर दोगे उस ऑर्डर को, लेकिन अगर बोला कि नहीं सर जेन्युइन नहीं है इसको रखना अपने पास, तो आप उसको कंफर्म करना ही करना पड़ेगा, दैट मींस रिवोक करना पड़ेगा ना। इसको मैं और मतलब दोबारा से मेरे वो रिवाइज करवा दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट का दिल करता है कि हम मतलब उनको लगता है कि जरूरी है वो एडवाइजरी बोर्ड बनाना, तो एडवाइजरी बोर्ड बना सकते हैं जिसमें चेयर पर्सन और 2 मेंबर होंगे और उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी जो आर्टिकल 22 सब आर्टिकल 4 क्लोज ए के अंदर बताई गई है, और वो क्या बोलता है कि कभी भी एडवाइजरी बोर्ड 3 साल से ज्यादा 3 महीने से ज्यादा का डिटेंशन नहीं कर सकता कोई भी पर्सन, मतलब कोई भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लेकिन अगर करना है तो एडवाइजरी बोर्ड, और वो एडवाइजरी बोर्ड जो आर और हैव बीन और
जो क्वालिफाइड है और जज ऑफ हाई कोर्ट अगर उनसे मिलकर बनाए और वो एडवाइजरी बोर्ड 3 महीने के अंदर अंदर बोलता है कि यस सर, सेटिस्फाई करता है कि यस सर मैं सेटिस्फाइड हूँ, इसको बढ़ाया जाना चाहिए, तो बढ़ सकता है। और वो कितना मैक्सिमम बढ़ सकता है, सब आर्टिकल 22 क्लोज 7 के अंदर बताया गया, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट लॉ बना के डिसाइड करेगा, और उस पर्टिकुलर लॉ में जो भी बताया गया है उतना कर सकते हैं। फिर बोला गया है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रेफरेंस देगी 5 हफ्ते के अंदर अंदर, किसको देगी सर रेफरेंस, एडवाइजरी बोर्ड को जो ऊपर बनाई गई है, एडवाइजरी बोर्ड उस रेफरेंस को मानते हुए सी क्लोज में और जो भी मटेरियल रखे गए थे उनको मानते हुए, जो भी फर्दर इंफॉर्मेशन ली थी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से किसी पर्सन से, पर्सन कंसर्न से उसको मानते हुए, या फिर अगर उनको खुद से लगा था एडवाइजरी बोर्ड को कि इन पर्सन आना चाहिए, या फिर उस पर्सन कंसर्न ने रिक्वेस्ट की थी सर प्लीज प्लीज मुझे इन पर्सन आके सुन लो, तो आर्टिकल 22 सब आर्टिकल 5 वाली उसके रिप्रेजेंटेशन की रिक्वेस्ट, तो उनको क्या होना चाहिए, उनकी उस रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में रखते हुए फाइनली अब एक रिपोर्ट पास की है और 11 हफ्ते के अंदर अंदर वो रिपोर्ट देनी है, और उसमें रिपोर्ट में एक सेपरेट पैराग्राफ में अपना ओपिनियन बताना है। लेकिन अगर डिफरेंस ओपिनियन होंगे तो मेजोरिटी के डिसीजन को मान लिया जाएगा, फाइनल होगा। आप जब आपको इन पर्सन आना है तो इन पर्सन आना एडवोकेट के थ्रू नहीं आ सकते, और जो भी प्रोसीडिंग्स एडवाइजरी बोर्ड के सामने हुई है इंक्वायरी के टाइम पे या फिर जो भी रिपोर्ट आई है वो कॉन्फिडेंशियल है, एक्सेप्ट बस रिपोर्ट का वो पोर्शन जिसमें डिस्क्लोज किया गया है कि हमारा ओपिनियन क्या है, उसको छोड़ के और सारा का सारा कॉन्फिडेंशियल होगा। और जो भी आपका ऑर्डर आया है, अगर एडवाइजरी बोर्ड ने बोला कि सर हम सेटिस्फाई हैं, इसको बढ़ाया जाना चाहिए, फिर इसको डिटेन रखना सही है, तो उसको मैं चाहे तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कंफर्म करे चाहे तो ना करे, लेकिन अगर बोला कि सर सेटिस्फाई नहीं है हम इस चीज से, इसको यहां तुरंत इसको कैंसिल करो, तो शेल हमें रिवोक करना होगा और उसको इमिडिएटली रिलीज करना होगा। चलो जी, सेक्शन 9 और अबाउट टू कम, चैप्टर अबाउट टू कम, और मजा आ गया ऑनेस्टली, आप लोगों को भी मजा आया होगा आज ये पढ़ के, मतलब अब तक का सबसे बढ़िया इस चैप्टर का टॉपिक मैं बोल सकता हूँ, समझने वाला टॉपिक, और अब तक जो आपने नया टॉपिक जो बिल्कुल कभी पढ़ा नहीं होगा वो टॉपिक है आज हमारा ये केसेस। ये थोड़ा सा ध्यान से हमने एक जगह पढ़ा था ना क्लोज बी में, मतलब एक्सेप्ट सेव एज द प्रोविजन, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइड इन सेक्शन 9, तो यानी सेक्शन 9 में जो भी लिखा है वो ओवररूल करेगा। अब बात आ गई सेक्शन 9 में क्या लिखा है वो ओवररूल करेगा, सेक्शन 9 की भी लैंग्वेज यही बोलती है, सेक्शन 9 की भी लैंग्वेज यही बोलती है, नोटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन दिस एक्ट, इस एक्ट में अगर कुछ भी लिखा है तो वो जाए भाड़ में, हम उसके ऊपर ओवररूल करेंगे। तो वो हम का मतलब सेक्शन 9 क्या बोलता है, एनी पर्सन इंक्लूडिंग फॉरनर इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एन ऑर्डर ऑफ डिटेंशन, किसी भी पर्सन के अगेंस्ट अगर डिटेंटी के बारे में बात की जा रही है, अगर क्या डिटेंशन ऑर्डर पास किया गया है एक्ट के अंदर, लेकिन वो कब किया गया था डिटेंशन ऑर्डर पास, ध्यान से पढ़ना, बिफोर बिफोर द 31st डे ऑफ जुलाई। सर फिर हमारे क्या काम का है, मतलब ऑनेस्टली ये हमारे काम का है नहीं, पर ठीक है 31 जुलाई 1999 से पहले अगर उसको डिटेंशन ऑर्डर आया था, ध्यान से लैंग्वेज पढ़ना, अगर जरा सा भी टच बीच में खत्म होगा तो समझ नहीं पाओगे, ऑल्दो मैंने हाईलाइट करके पकड़ ली है बात, मे बी डिटेन्ड, तो उस पर्सन को हम डिटेन कर सकते हैं सर कितने दिन के लिए, हमने बोला था सेव एज, मतलब 3 महीने से ज्यादा कर सकते हैं, हम कर सकते हैं मे बी डिटेन्ड विदाउट, अच्छा ना इसके बाद एक बार भूल जाओ, हम उसको डिटेन कर सकते हैं मे बी डिटेन्ड विदाउट इस वाली बात को आप भूल जाओगे एक सेकंड के लिए, इसको मे बी डिटेन्ड फॉर ए पीरियड लॉन्गर देन 3 मंथ बट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, हम डिटेन कर सकते हैं 3 महीने से ज्यादा, जो ऊपर पड़ा था हमने तो अभी पढ़ा था, तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है इट के साथ, लेकिन वो जो बिफोर कब से 31 जुलाई 1999 से पहले वाले, अब तो अब मतलब उससे पहले अगर डिटेंशन ऑर्डर अगर आया था तो, लेकिन ये क्या लिखा था सर बीच में, लेकिन विदाउट ऑब्टेनिंग इन अकॉर्डेंस विद द, मतलब सर जो उसमें बोला गया था एडवाइजरी बोर्ड से पहले पूरा, यानी सेक्शन 8 को बिना फॉलो करे, तो बिना सेक्शन 8 को फॉलो करे अगर कोई भी पर्सन 31 जुलाई 1999 से पहले अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर आया था तो 3 महीने से ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन उस केस में मैक्सिमम कितना होगा 6 महीने, वहां ये नहीं बोला गया कि किसी लो को ध्यान में रखना है, तो उसके बाद मुझे लगता है पर्सनली उस टाइम पे अमेंडमेंट आई होगी, इस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट आई होगी 1999 में, तो बोला गया कि इस वाले पर्टिकुलर केस में कितना होगा 6 महीने होगा, 6 महीने से ज्यादा नहीं होगा फ्रॉम हिज डेट ऑफ दिस डिटेंशन, तो 3 महीने प्लस 3 महीने। वेयर द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन हैज बीन मेड अगेंस्ट सच पर्सन विद अ व्यू टू, किन किन मैटर्स में, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग ऑफ गुड्स, एबेटिंग, वो सेम चीज जो ऑर्डर 3 के अंदर बताई गई थी सेम चीज की बात की जा रही है,
सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट नोट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी। देखो वहां वर्ड था ज्वाइंट सेक्रेटरी, यहाँ वर्ड है एडिशनल सेक्रेटरी, तो ध्यान रखना। टू दैट गवर्नमेंट, मतलब उस गवर्नमेंट का स्पेसिफिकली एम्पावर्ड फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन बाय दैट गवर्नमेंट, जो स्पेसिफिकली अपॉइंट किया गया है और वो सेटिस्फाई हो जाता है, और अगर वो ऑफिसर सेटिस्फाई सेंट्रल गवर्नमेंट का एडिशनल सेक्रेटरी या सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाता है कि यस सर स्मगलिंग एक्टिविटीज हुई है, स्मगलिंग ऑफ गुड्स हुआ है, कहाँ हुआ है, एनी एरिया हाईली वल्नरेबल, जैसा ज्यादा चांसेस थे, यानी समुद्री एरिया जो उसके आसपास उड़ीसा वगैरह का एरिया जहाँ फोग ज्यादा होती है और जहाँ स्मगलिंग के चांसेस ज्यादा है, उस एरिया में अगर उसको लगता है सर अगर ऐसा है तो उसको पकड़ सकते हैं। अब बैट किसी ने हेल्प किया है, छुपाया है और हाईली वल्नरेबल एरिया में, या फिर किसी ने क्या किया है ट्रांसपोर्टेशन करने में, वही सेक्शन 3 वाले में अगर हेल्प किया है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर कम से कम कोई भी ऑफिसर जो भी एडिशनल सेक्रेटरी से है, अगर उसको ऐसा लगता है, यहाँ एडवाइजरी बोर्ड की बात नहीं हो रही, जैसे एडवाइजरी बोर्ड को लगता था ऐसे ही अगर इस सेंट्रल गवर्नमेंट को एडिशनल सेक्रेटरी को अगर ऐसा लगता है कि ये काम हुए हैं वल्नरेबल एरिया, बस यहाँ एक चीज याद रखना, कहाँ हाईली वल्नरेबल एरिया में अगर ऐसा काम हुआ है स्मगलिंग वाला, तो मेक अ डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट विद इन 5 वीक। तो लेकिन यहाँ भी ध्यान से 5 हफ्ते ही है, तो 5 हफ्ते के अंदर अंदर जब से उसको डिटेन किया है हम ये टाइम पीरियड को बढ़ा के 3 महीने की जगह 6 महीने का ऑर्डर पास कर सकते हैं। लेकिन वो किसको लगना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को या एडिशनल सेक्रेटरी को ये चीज लगनी चाहिए, एनी ऑफिसर को ये चीज लगनी चाहिए, डन ना। इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा और इस चीज को ध्यान से, कुछ बच्चों के नोट्स में ये चीज नहीं होगी, ऑल्दो हमारे मॉड्यूल में भी नहीं है, बट यस जब हम आगे पढ़ेंगे ना तो ये वाला बार 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 ये वाला क्लोज की रेफरेंस आएगी, फिर है ना आप मुंह बना के बैठोगे, फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा सर सब सेक्शन 2 क्या है, सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 क्या है, आगे दोनों सेक्शन इसके ऊपर डिपेंड है हमारे, सेक्शन 10 भी सेक्शन 11 भी सेक्शन 10 ए भी इसके ऊपर डिपेंड है, तो फिर आप ना सेक्शन 11 नहीं है, सेक्शन 10 और 10 ए दोनों में इसकी रेफरेंस आएगी, फिर आपको समझ में नहीं आएगी कि हुआ क्या है। ध्यान से एक बार देख लो, इन द केस ऑफ एनी पर्सन डिटेन्ड अंडर ए डिटेंशन ऑर्डर, अगर कोई भी पर्सन डिटेंशन ऑर्डर ऊपर सबसेक्शन 1 में किया गया है यानी बिफोर वाला अप्लाई, अगर उस केस में सेक्शन 8 को अप्लाई किया जाता है, इन केस ऑफ एनी पर्सन डिटेन्ड अंडर ए डिटेंशन ऑर्डर टू विच द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 अप्लाई, अगर सबसेक्शन 1 अप्लाई होता है, सेक्शन 8 शैल हैव इफेक्ट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन, तो उस केस में अगर आप सेक्शन 8 को इफेक्ट करते भी हो, अगर अप्लाई करते भी हो, तो ये मॉडिफिकेशन आपको लानी पड़ेगी, क्या सर जैसे हमने वहां पढ़ा था 5 हफ्ते के अंदर अंदर, तो मान लिया जाएगा वहां कितने दिन, 4 महीने और 2 हफ्ते के अंदर अंदर, तो 4 महीने और 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप कर सकते हो एप्लीकेशन। और जहां हमने पढ़ा था द डिटेंशन ऑफ द पर्सन कंसर्न, एक वर्ड पढ़ा था डिटेंशन ऑफ द डिटेंशन करेंगे उस पर्सन कंसर्न की, द वर्ड Continued detention of the person concerned, तो जब से continued का मतलब क्यों वर्ड यूज किया है, जो 31 जुलाई से पहले से चलता आ रहा है बात तक, continued का expression कहना चाह रहे हैं जो पहले से चलता हुआ आ रहा है, तो मान लिया जाएगा, कुछ बच्चों को समझ में नहीं भी आएगा, तो मान लो अगर हम सेक्शन 8 को अप्लाई कर रहे हैं, हमने बोला है, अगर हमने सेक्शन 8 को अप्लाई नहीं किया, एडवाइजरी बोर्ड को अगर हमने फॉलो नहीं किया, तो द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर उसका कोई भी ऑफिसर जो एडिशनल सेक्रेटरी से नीचे रैंक का नहीं है, उसको लगता है कि अगर सेटिस्फैक्टरी है स्मगलिंग एक्टिविटीज है तो ऑर्डर पास कर सकता है 5 हफ्ते के अंदर अंदर। लेकिन अगर वो सेक्शन 8 को फॉलो करते हैं तो सेक्शन 8 है ना होगा तो वही, लेकिन उसका रूप थोड़ा अलग होगा, जैसे लॉकडाउन 4 है, दैट मीन्स उसका रूप क्या होगा थोड़ा सा अलग, कि वहां जैसे हम 5 हफ्ते पढ़ते थे वो 5 हफ्ते नहीं है, 4 महीने 2 हफ्ते हैं, जहां हम पढ़ते थे द डिटेंशन ऑफ द पर्सन पढ़ते थे क्लोज सी के अंदर, देखो दिखा देता हूं मैं आपको, ये क्लोज सी में हम पढ़ते हैं ना ये वर्ड फॉर द डिटेंशन ऑफ द पर्सन कंसर्न, यहां हम पढ़ेंगे कंटिन्यूड, मतलब मान लो है वो का वो, बट उसकी जगह बस ये रिप्लेस कर लो, सब्स्टिट्यूट कर लो वर्ड, क्या सब्स्टिट्यूट कर लो कंटिन्यूड। अच्छा वर्ड मैंने आपको ये भी रीजन बता दिया कंटिन्यूड वर्ड लिखने के पीछे रीजन क्या है, तो मैं इसको भी रेड कर देता हूं ताकि रेड वाला पोर्शन आपको साफ साफ दिख जाए कि सर ये अमेंडमेंट वाला पोर्शन है, मतलब जो लगातार चलता रहा 31 जुलाई 1999 से पहले, तो कंटिन्यूड वर्ड को लगा के पढ़ो, और जहां 11 हफ्ते था 11 हफ्ते को मान लो 5 महीने 3 वीक्स, तो 4 महीने 2 हफ्ते और 5 महीने 3 हफ्ते मान लिया जाएगा शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, वैसे सेम रहेगा। और एफ वाला पॉइंट जो हमने पढ़ा था सेटिस्फैक्टरी वाला, फॉर द डिटेंशन वर्ड जो हमने पढ़ा था उसकी जगह क्या मान के पढ़ेंगे कंटिन्यू डिटेंशन, मान लो वही चीज मैंने जो लगातार
ऑर्डर आने यानी अमेंडमेंट आने से पहले से, यानी वो अमेंडमेंट आई होगी सेक्शन के अंदर 3 महीने वाली है, तो पहले 6 महीने ही होता होगा, तो जो अमेंडमेंट आने से पहले से चलता रहा कंटिन्यूड वर्ल उसको रिपीट करता है। अगर आप सेक्शन अबे ना क्या बन गया सेक्शन 9 में, अगर आप कोई भी ऐसा पर्सन है जो उससे पहले अगर डिटेन ऑर्डर आया था 31 जुलाई 1999 से पहले, यानी अमेंडमेंट आई होगी उन दिनों, तो उससे पहले आया था, तो दो बातें होंगी, या तो सेक्शन 8 को फॉलो कर लो या फिर सेक्शन 8 को फॉलो ना करो। अगर सेक्शन 8 फॉलो नहीं किया तो उस केस में सेंटर क्या होगा, मैक्सिमम 6 महीने तक आप एक्सटेंड कर सकते हो। वो सेक्शन यहाँ सेक्शन 8 में क्या बोला गया था, जो लो बोलता है उस अकॉर्डिंग, और लो क्या बोलता है सेक्शन 10 के अंदर बोला गया है, लो सर कितने दिन तक कर सकते हो, 1 साल। अगर सेक्शन 9 अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा तो 1 साल तक, सेक्शन 9 अगर अप्लाई किया है तो 2 साल तक, यानी उससे पहले वाले को 2 साल तक, और उसके बाद अगर कोई डिटेंशन ऑर्डर आया तो 1 साल तक आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो वही चीज बोली गई है, तो दो बातें होंगी, या तो अगर आप सेक्शन 8 को फॉलो कर लो, सेक्शन 8 को अगर फॉलो नहीं करते हैं तो मैक्सिमम 6 महीने तक जाएंगे, उस केस में पावर किसके पास होगी, एडवाइजरी बोर्ड के पास नहीं होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर जिसका रैंक कम से कम एडिशनल सेक्रेटरी होगा, उसको लगता है कि वल्नरेबल हाईली वल्नरेबल एरिया में अगर स्मगलिंग एक्टिविटीज हुई है तो 5 हफ्ते के अंदर अंदर, कब से 5 हफ्ते सर, डिटेंशन ऑर्डर के 5 हफ्ते के अंदर अंदर हम क्या कर देंगे, उसको एक्सटेंड कर देंगे। या फिर अगर सेक्शन 8 को अप्लाई करना ही है तो 5 हफ्ते की जगह मान लो 4 महीने 2 हफ्ते, 5 महीने 11 महीने की जगह 11 हफ्ते की जगह मान लो 5 महीने 3 हफ्ते, जहां वर्ड फॉर द डिटेंशन ऑफ द पर्सन कंसर्न पर्सन था मान लो कंटिन्यू डिटेंशन मान लो, क्योंकि पहले से चलता हुआ रहा है। डन ना भाई, पूरा जान लगा दी है इसको समझाने के लिए, इससे ज्यादा सिंपल करके मैं समझा नहीं सकता, मैं क्या कोई दुनिया का आदमी इससे ज्यादा सिंपल करके इस एक्ट को समझा नहीं सकता। आज वो जान लगा दी, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत करके आज मैंने इस वाले एक्ट को प्रिपेयर किया है। मैक्सिमम पीरियड भाई मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना जी, और इसको मैं डेप्थ में जाऊंगा भी नहीं, बस एक ही चीज बताऊंगा, वेयर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 डू नॉट अप्लाई, अगर सेक्शन 9 के प्रोविजन अप्लाई नहीं हो रहे और ध्यान से एंड विच हैव बीन कंफर्म्ड, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो सबसे पहले कंफर्म कर भी दिया था तो यानी उसके बाद मे चाहे तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो रिवोक उसको आगे कंटिन्यू कर सकता है, और कंफर्म भी कर दिया था एडवाइजरी बोर्ड ने, जहां सेक्शन 9 अप्लाई नहीं हो रहा, दैट मींस दैट इज सेक्शन 9 अप्लाई ना होने का मतलब क्या है, दैट इज आफ्टर 31 जुलाई 1999 की बात हो रही है, और जहां सेक्शन 8 भी अप्लाई हो रहा है और सेक्शन 8 के अंदर कंफर्म हो गया था, तो सेक्शन 8 के अंदर कंफर्म होने का मतलब है ये वाले पॉइंट की बात की जा रही है, इस वाले पॉइंट की, रुको, इस वाले पॉइंट की बात, मी तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो आगे कर सकती है, ये ना फिर मुझे बाद में देखिएगा, नहीं फिर आपकी बुक में भी जाएगा, तो इसकी बात हो रही है। अगर वो भी कंफर्म कर दे और सेक्शन 9 भी अप्लाई ना हो तो उस वाले केस में जो पीरियड होगा मैक्सिमम वो कितना कर सकते हैं, 3 महीने से बढ़ा के वो कितना हो सकता है, शैल बी अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, लेकिन कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन से 1 साल, या फिर और द स्पेसिफाइड पीरियड, या फिर जो भी स्पेसिफाइड पीरियड फॉर द टाइमिंग बताया जाएगा वो विच एवर पीरियड एक्सपायर्स लेटर, तो जो भी लेटर होगा यानी मैक्सिमम 1 साल तक आप कर सकते हो, तो विच एवर पीरियड इज एक्सपायर्ड लेटर। और अगर सेक्शन 9 अप्लाई हो रहा है यानी उससे पहले वाले हैं तो उस वाले केस में, और सेक्शन 8 के अंदर कंफर्म, यानी सेक्शन 9 भी अप्लाई हो रहा है और सेक्शन 8 के अंदर भी कंफर्म कर दी गई है, दैट मींस क्या मैं बोल सकता हूँ सेक्शन 9 से सेक्शन 2 वाला, इस वाले की बात की जा रही है, क्योंकि इस वाले में तो मैक्सिमम पीरियड बता ही दिया अपने आप में, बता दिया 6 महीने होगा, देखो ना प्लीज भाई, इस वाले में तो पहले बता दिया, तो सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ इस वाले केस में सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा, लिख लो अगर लिखना चाह रहे हो तो अपनी लैंग्वेज में कि सर यहाँ सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा, यहाँ सेक्शन 10 अप्लाई होगा, तो तभी तो बोला जा रहा है, जहां सेक्शन 9 अप्लाई हो रहा है और सेक्शन 8 के अंदर भी, सेक्शन 8 के अंदर भी क्या हुआ है, सेक्शन 8 के अंदर भी कंफर्म किया गया रेड विद सेक्शन 9, अरे अभी तो पढ़ा था वहां 5 महीने 3 हफ्ते हो जाएंगे और 4 महीने 2 हफ्ते हो जाएंगे, वहां क्या कितना होगा, 2 साल हो जाएगा सर डेट ऑफ डिटेंशन से, या फिर स्पेसिफाइड पीरियड से विच एवर इज एक्सपायर लेटर। अच्छा बाद में ना अपने ऑर्डर को ये रेक्टिफाई या मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होप सो ये वाला पॉइंट सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सर सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 के ऊपर तो सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा, सेक्शन 9 सब सेक्शन 2 में पहले बोला था या तो एडवाइजरी बोर्ड मान लो, अगर एडवाइजरी बोर्ड को मान रहे हो तो टाइम पर एक्सटेंड होगा, टाइम पर एक्सटेंड होगा तो यहाँ हमारा डिटेंशन पीरियड भी एक्सटेंड हो जाएगा। भाई मैं बोल रहा हूँ मतलब अल्टीमेट अल्टीमेट वाली इंटरप्रिटेशंस की जरूरत थी इस वाले पॉइंट के लिए, अल्टीमेट वाली इंटरप्रिटेशंस की जरूरत थी, ध्यान से बैठ के पढ़ लेना इस वाले को, चाहे दोबारा स्क्रॉल कर लेना प्लीज, इस वाले पॉइंट को कर लेना, ठीक है जी। एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ डिटेंशन,
सेक्शन 9 क्या बोलता है, अगर कोई भी पर्सन प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर आया था, कब आया था सर, बिफोर 31 जुलाई 1999 से पहले। अब उसमें दो बातें होंगी, या तो आप सेक्शन 8 के अकॉर्डिंगली चल जाओ, या आप सेक्शन 8 को फॉलो ना करो, या आपने कर लिया। अगर आपने नहीं किया, उल्टा कर लो, अगर आपने नहीं किया तो उस वाले केस में क्या होगा, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में फॉलो कर जाओगे। दैट मींस जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर एडिशनल सेक्रेटरी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो क्या करेगा, अगर आपने हाईली वल्नरेबल एरिया में ऐसा किया है तो उस केस में 3 महीने से बढ़ा के मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 6 महीने। तो क्या यहाँ सेक्शन 10 लगा, नहीं लगा जी। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जो पीरियड था जैसे हमने बोला था 5 हफ्ते वाला, अगर सेक्शन 8 अप्लाई करना है तो कुछ वेरिएशन के साथ, तो सेक्शन 8 में जो टाइम पीरियड था वैसे तो सेम लगेगा, लेकिन सेक्शन 8 में जो 5 हफ्ते थे तो वहां मान लिया जाएगा 4 महीने प्लस 2 वीक, जहां 11 हफ्ते थे उसको मान लिया जाएगा 5 महीने प्लस 3 वीक, जहां वर्ड फॉर द डिटेंशन लिखा गया था वहां कंटिन्यू डिटेंशन वर्ड आएगा। ठीक है, इन केस अब बात की जा रही है सेक्शन 10 की। अब सेक्शन 10 बोलता है जी हम कर रहे हैं मैक्सिमम पीरियड, तो जो इन जो नॉर्मल प्रोसेस था दैट मींस आफ्टर वाले सबसेक्शन 1, तो इसका बोलता है सर जो आफ्टर 31 जुलाई 1999 वाले हैं उनके केस में तो 1 साल या फिर जो स्पेसिफाइड ऑर्डर विच एवर इज लेटर एक्सपायर होगा। सबसेक्शन 2 में बोलता है सर जहां सेक्शन 9 अप्लाई हो रहा है, यहां बोल रहे हैं जहां सेक्शन 9 अप्लाई नहीं हो रहा है, जहां हो रहा है प्लस जहां हमने सेक्शन 8 को अप्लाई किया, क्योंकि जहां सेक्शन 8 को अप्लाई नहीं किया वहां तो सेक्शन 10 फॉलो ही नहीं करेगा, हमने अभी तो बोला है, प्लस दैट मींस रेड विद सेक्शन 9 सबसेक्शन 2, यानी उसके वाली कंडीशंस को ध्यान में रखना है हमें, उसके हमने मैंने पहले बोला था हमारे मॉड्यूल में नहीं है बट हमें ध्यान देना है, उसके वाली कंडीशंस को हमें ध्यान रखना है। उसके वाली कंडीशंस क्या बोलती थी, उस टाइम पीरियड को बढ़ाना। तो ये सारी कंडीशन अगर हो गई तो इस वाले केस में 2 साल या फिर जो स्पेसिफाइड ऑर्डर में टाइम पीरियड बताया गया है विच एवर इज एक्सपायर लेटर, तो जो भी लेटर एक्सपायर होगा तो जब तक मान लिया जाएगा हमारा मैक्सिमम पीरियड होगा। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, जान है ये 2 सेक्शन है इस एक्ट की, आज की इंटरप्रिटेशन की भाई मजा आ जाएगा, ये ध्यान से पढ़ लेना इसको बैठ के। एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ डिटेंशन, वाह भाई वाह, एक्सटेंशन कर सकते हो, टेन नहीं बोलता है, यस सर कर सकते हैं, लेकिन कब, सेक्शन एंड कंफर्म करना पड़ेगा, अगर वो कंफर्म हुआ है, अगर वो सेक्शन 8 में कंफर्म हुआ है विच हैव बीन कंफर्म्ड, अगर सेक्शन 8 में वो डिटेंशन ऑर्डर कंफर्म किया गया है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द, अगर सर इस एक्ट को आने से पहले अगर वो किया गया था ऑर्डर पास एंड विच इज इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द समच कमेंसमेंट, तो 1 साल वही चीज पढ़ते रहना प्लीज, इस वाले सेक्शन को मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ते रहना कुछ नहीं है, पढ़ते रहना, इग्नोर करना चाहते हो तो कर देना, वरना पढ़ते रहना, मतलब इस वाले को ठीक है, मतलब वो सेम वैसा वैसा सही है, बस यहाँ टाइम पीरियड को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, अंटिल द एक्सपायरी 2 साल तक कर सकते हैं, ये वाला थोड़ा सा बस ये बोला गया कि अगर उस एक्ट के आने से पहले, अब हमने ये नहीं बोला कि अमेंडमेंट आने से पहले, अब हमने बोला अगर उस एक्ट के आने से पहले था तो इस तरीके से चल टाइम पीरियड लगेगा, एक्सटेंशन टाइम पीरियड लगेगा, और अगर इस एक्ट के आने के बाद है तो इस तरीके से, मतलब 2 प्रोसेस बता दिए गए हैं, पढ़ लेने से वाले को सेम सेम है, कोई दिक्कत है तो बता देना। रिवोकेशन इंपॉर्टेंट है जी, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिवोकेशन ऑफ द डिटेंशन ऑर्डर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटेंशन, सर यहाँ सेक्शन 21 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट आ गया, हाँ तो लिखो ना फिर इसका मतलब क्या था। सेक्शन 21 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट बोलता है, मैं यहाँ ना लिखना नहीं चाह रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट वही दिखा देता हूँ, देखो लैंग्वेज पढ़ो पहले एक बार, सेक्शन 21 पे बाद में चलेंगे, कंफ्यूज मत हो। विदाउट प्रिजुडाइज टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 21, सर उसके प्रोविजंस को हार्म ना पहुंचा के जो जनरल क्लॉज एक्ट का है, अ डिटेंशन ऑर्डर मे एट एनी टाइम बी रिवोक्ड, सर ऊपर प्रोविजो भी तो बताया गया था कभी भी रिवोक्ड और मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई बात नहीं, प्रोविजो भी बताया गया था कि कभी भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, रिवोक कर सकते हो, बट स्टिल अलग से सेक्शन भी बता दिया कभी भी आप रिवोक कर सकते हो, लेकिन कब, कौन कर सकता है, ये बोला है कौन कर सकता है, हमने बोल दिया कर सकते हैं ऑर्डर को, बट कौन कर सकता है, ऑब्वियसली सर लेमन लैंग्वेज में पढ़ते रहना बाद में, स्टेट गवर्नमेंट ने अगर डिटेंशन ऑर्डर पास किया था, स्टेट गवर्नमेंट ने किया था, तो बाय दैट स्टेट गवर्नमेंट वो खुद भी कर सकते हैं, बाय वर्ड पे फोकस करो, दैट स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली ने किया था, दिल्ली महाराष्ट्र नहीं, या फिर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया था तो बाय अ स्टेट गवर्नमेंट, तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, बाय अ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय स्टेट गवर्नमेंट, बाय द नहीं,
notwithstanding that the order have been made by an officer of the central government or by a state government. तो किसी भी central government या state government को officer ने किया था, तो by the central government. तो central government तो कहीं, या ना मुझे language में लोचा लगता है, personally ना मुझे ये मतलब ये language ये इस तरीके से कहना चाह रहे हैं कि central government ने अगर state government के ने अगर detention order pass किया गया था, किसी भी officer ने अगर pass किया था, तो वो खुद state government या फिर central government. और अगर वो central government ने pass किया था तो या फिर किसी भी स्टेट ने पास किया था तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो कर ही सकती है. तो लैंग्वेज में थोड़ा सा लोचा है, अदरवाइज आप समझ ही गए हो कि हायर अथॉरिटी तो अपने आप में सेंट्रल गवर्नमेंट कर ही सकती है. स्टेट गवर्नमेंट कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट वाले को रिवोक कर देगी, वो थोड़ा सा गलत लगता है मुझे इसकी लैंग्वेज से पढ़ के. तो बाय अ स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया है या फिर बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसको कैंसिल कर ही सकती है. रिवोकेशन, ध्यान से इस वाले पॉइंट को पढ़ो, द रिवोकेशन ऑफ डिटेंशन ऑर्डर शैल नॉट बार. इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक बार रिवोक कर दिया, कोई पास किया था रिवोक कर दिया, कि आप उस पर्सन पे दोबारा नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है, कर सकते हैं. शैल नॉट बार द मेकिंग ऑफ अनदर डिटेंशन ऑर्डर अंडर सेक्शन 3 अगेंस्ट द सेम पर्सन. अगर उसने दोबारा से गलती कर दी, अगर उसने दोबारा से मान लो बाई चांस अगर उसने स्मगलिंग एक्टिविटीज हमने रोकने के लिए पहले से उसको रोक दिया, लेकिन अब बाद में प्रूफ होता है कि नहीं सर हमें कैंसिल करना चाहिए अपना डिटेंशन ऑर्डर, अब बाद में उसको हमें लगा नहीं नहीं ये तो मिल गया और मिल रहा है इससे तो गलत काम कर रहा है, तो उस पर दोबारा से भी डिटेंशन ऑर्डर पास कर सकते हैं. टेम्परेरी रिलीफ, रिलीज. अब इसको हम ये बोला रिवोक नहीं किया हमने, टेम्परेरी रिलीज. देखो ये ना मैंने डाला है यहां आपके मॉड्यूल में नहीं है, वन ए ये वाला, ये वन ए या आईसीएसआई ने अभी डाल दिया तो मुझे पता नहीं आफ्टर अमेंडमेंट, बट ये वन ए मैंने बेरेक से ही किया है. तो वन ए क्या बोलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट. देखो यहां वर्ड अगर आप या तो अलग से इसको बना लो या फिर इसी को ही ना देखना एक बार. कहने का मतलब मेरा कंसर्न ये है दी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, या तो सिर्फ एक वर्ड ऐड करना है स्टेट गवर्नमेंट, एक ये पूरा का पूरा पैराग्राफ फट जाएगा. ये होते स्मार्ट स्टडी से पढ़ना. तो द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मे एट एनी टाइम डायरेक्ट दैट एनी पर्सन डिटेन्ड, जो भी पर्सन डिटेन किया गया है, मे बी रिलीज्ड फॉर एनी स्पेसिफाइड पीरियड. हम उसको रिलीज कर सकते हैं कुछ टेम्परेरी पीरियड के लिए, इधर विदाउट कंसिडरेशन और अपॉन सच कंसिडरेशन. तो हो सकता है विदाउट कंसीडरेशन कर सकते हैं और हो सकता है विद या विदाउट कंसीडरेशन. प्योर सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते थे विद या विदाउट कंडीशंस कर सकते थे. स्पेसिफाइड इन द डायरेक्शंस मे एट एनी टाइम कैंसिल इज रिलीज. तो जो भी और कभी भी कोई भी कंडीशन लगा के और कभी भी वो जो उसने टेम्परेरी रिलीज किया उसको कैंसिल भी कर सकते हैं. तो पावर है पूरी पूरी टेम्परेरी रिलीज को कैंसिल भी करने की, सेम है स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी, और कभी भी हम उसको स्टेट गवर्नमेंट वाले को भी रिलीज कर सकते हैं. तो टेम्परेरी रिलीज मैंने करके आपको भेज दिया, दो महीने के लिए मैंने आपको, तीन महीने के लिए मैंने आपको उठाया था, एक दो एक साल तक मैंने टाइम पीरियड बढ़ा दिया, फिर एक 15 दिन के लिए मैंने आपको रिलीज कर दिया क्योंकि आपकी ना लड़की की शादी थी. फिर मुझे लगता है कि नहीं यार ये भाग जाएगा 15 दिन में भी, 5 दिन में इसके हालात मुझे ऐसे लग रहे हैं, कंप्लेंट आ रही है, फिर उसको कैंसिल करके दोबारा बुला लो ऐसे. तो वही चीज बोलिए, इन डायरेक्टिंग द रिलीज ऑफ एनी ऑफ द पर्सन सबसेक्शन 1(1)(a). तो ऊपर जो बोला गया है डायरेक्ट कर उसको रिलीज करते टाइम पे, जो या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट डायरेक्टिंग द रिलीज मे रिक्वायर हिम टू एंटर इनटू अ बॉन्ड. अब हो सकता है उसको रिलीज करते टाइम पे हम एक बॉन्ड बोले कि सर आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, या फिर उससे बॉन्ड साइन करवा लें, या फिर उसके कोई श्योरिटी को लेके आओ, भाई किसी ना किसी को श्योरिटी को लेके आओ, कोई आपके बिहाफ पे गवाही देगा कि अगर आप भाग जाते हो तो वो इसके बिहाफ पे आपका जुर्माना भरेगा, कोई घर के कागज रखो, तो ऐसा आप करवा सकते हो. और एनी पर्सन रिलीज अंडर सबसेक्शन 1 और 1a यानी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट शेल सरेंडर. तो जो भी रिलीज किया था वो अपने आप को सरेंडर करेगा हिमसेल्फ खुद से ही उस दिन और उस जगह और उसके सामने जो भी रिलीज ऑर्डर में बताया गया था, या फिर कैंसिलेशन ऑफ रिलीज ऑर्डर में हमने पढ़ा था ना, परमिट एनी टाइम कैंसिल कर सकता है. तो या तो रिलीज ऑर्डर में बताया गया था उस अथॉरिटी के सामने, या फिर कैंसिलेशन ऑफ रिलीज ऑर्डर के, रिलीज कैंसिलेशन ऑर्डर के अंदर बताया गया था आपको सरेंडर करना पड़ेगा. अगर आपने अपने आपको सरेंडर नहीं किया और कोई भी सफिशियंट कोज नहीं थे आपको वहां तक टाइम पे ना पहुंचने के, तो मान लिया जाएगा पनिशेबल है, क्रिमिनल ऑफेंस है, पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 2 ईयर और फाइन और विद बोथ. यहाँ 1 साल नहीं है, यहाँ 2 साल है, वहां 1 साल था, यहाँ क्या है 2 साल. और If any person released, कोई भी person को release किया गया था, अब ये तो नहीं कि उसने surrender करने में दिक्कत करी है, लेकिन जिस condition पे उसको release किया गया था, वो उन condition को fails to fulfill the condition, अगर वो उन conditions को follow नहीं करता बाहर निकल के, तो
मान लिया जाएगा जो भी आपने बॉन्ड साइन किया था या फिर आपके श्योरिटी ने किया था, तो उन्होंने जो भी बॉन्ड साइन किया था वो सारी की सारी सिक्योरिटी आपकी जब्त हो गई, और वो श्योरिटी जो आपका है वो लायबल है पेनल्टी पे करने के लिए, वो लायबल होगा आपके बिहा पे। और एनी पर्सन बाउंड देयर बाय, तो जो भी पर्सन ने आपकी बाउंडिंग ली थी, शैल बी लायबल टू पे द पेनल्टी देयर ऑफ, नॉट बी स्टर्निंग एनीथिंग कंटेंड इन एनी अदर लॉ, किसी और लॉ में कुछ भी गैस अब जाए भाड़ में। लेकिन जो भी इस सेक्शन में लिखा है उसको ध्यान में रखना, ऊपर अब तक जो भी लिखा है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन, अगर इस सेक्शन में कुछ और लिखा है तो उसको ध्यान रखना है। लेकिन इस किसी और लॉ में कुछ भी लिखा हो जाए भाड़ में, तो नो पर्सन अगेंस्ट विच ए डिटेंशन ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट इज इनफोर्स शैल बी रिलीज्ड वेदर ऑन बेल और बेल बोर्ड। तो क्या कहना चाह रहे हैं इसकी, कोई भी बच्चा मुझे ना इसकी इंटरप्रिटेशन बता दो, 1 मिनट लगा के बता दो, मैं आपको बता देता हूँ, अपने कान बंद करके सुन लू, मतलब 1 मिनट की बात सुन लेना पॉज करके। ये कहना चाह रहा है इस एक्ट के अलावा, इस एक्ट के प्रोविजन में कोई दूसरा लोग कुछ भी बोलता है सब जाए भाड़ में, इस एक्ट में लेकिन जो भी लिखा गया है उसको ध्यान में रखेंगे, किसी भी पर्सन को हम बेल पे रिलीज नहीं करेंगे। दैट मींस अगर खुद ही उन्होंने टेम्परेरी रिलीज किया तो किया है, अदरवाइज कभी भी हम बेल या बेल बॉन्ड पे हम उस पर्सन को बाहर नहीं छोड़ेंगे। या तो इस एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो कर लो, अदरवाइज हम उसको फॉलो इस सेक्शन को फॉलो कर लो, अदरवाइज उसको रिलीज नहीं करेंगे कभी भी बेल पे, क्योंकि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं। लास्ट सेक्शन ऑफ द डे, लास्ट सेक्शन ऑफ द क्लास, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, और लास्ट सेक्शन कुछ भी नहीं है। अब यहां भी मैंने थोड़ी सी अपनी कार्रवाई की है, मैंने कुछ ड्राफ्टिंग की है। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, अगर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अगर कोई भी गुड फेथ में या फिर किसी भी पर्सन ने आपकी में ना, दोबारा से लाइन लिखी होगी, नो सूट और लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट एनी पर्सन, यहाँ इससे पहले ये लाइन दोबारा से लिखी होगी आपके में, नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग। जिन बच्चों को पुराने वाले नोट्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, मैंने करता रहता हूँ मैं हर क्लास से पहले चेंज बैठ के, एनी पर्सन फॉर एनीथिंग इन गुड फेथ, अगर उनने गुड फेथ में किया, किसी भी पर्सन ने, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने, अगर वो काम उसकी इंटेंशन सही है तो उसके अगेंस्ट क्या नहीं हो सकता, नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स। तो ना तो कोई भी सूट होगा और ना ही कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स होगी किसके अगेंस्ट, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ना स्टेट गवर्नमेंट, या फिर किसी भी पर्सन ने जिसने भी अच्छा काम किया है अच्छी इंटेंशन से किया है। उम्मीद है सब बच्चों ने अच्छे तरीके से चैप्टर समझा होगा, पूरे अच्छे तरीके से चैप्टर को पढ़ा होगा मेरे साथ, और आज मतलब आप लोगों को आज ही लेक्चर खत्म होने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करके इसको पढ़ना होगा, थोड़ा सा टफ है, रिटेन करने वाला चैप्टर है, बट मैंने पूरा टेक्निकल लेवल पे जाके बताया, बैकग्राउंड भी इसका समझाया, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास फैमा की है, थोड़ा सा अटेंटिव होकर बैठना है, नेक्स्ट क्लास भी आपकी थोड़ी अच्छी होने वाली है। तो चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।